اللهم صل على محمد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. باري الخلائق أجمعين باعث الأنبياء والمرسلين. والصلاة والسلام على أشرف الأولين والآخرين خاتم النبيين الذي دنا فتدلى فكان قاب قوسين ودنا حبيبنا وحبيب إله رب العالمين أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى آله التي يبين الله ترين الغر الميامين المحجلين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من أول يوم ظلمهم إلى لقاء يوم الدين وبعد فقد قال الحكيم في محكم كتابه العظيم ومبرم خطابه الكريم قوله الحق وهو أصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم فمن حاجك من بعده ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين صلوات محمد मैं आगा बुज़ुर्गवार आगा सैयद फरद मौसी का भी शुक्रिया अदा करता हूँ और तमाम मुंतज़मीन का कि खिदमत का मौका दिया और इसी तरह से तमाम मोमिनीन और मोमिनात का जो इन अय्याम में शहज़ादी की बारगाह में ताज़ियत के लिए पूरे खुलूस के साथ तशरीफ़ लाए और उन अफराद का ख़ास तौर से मैं शुक्रिया अदा करता हूँ जो फ़ोन के ज़रिए या मेरे पास आकर मुझे मशवरा दिया कि बेहतर है कि हम मैं अमर बिलमारूफ़ नहे अनिल मुनकर नमाज रोज़ा फ़राइज़ पर गुफ्तगू हो बजाय इसके कि तफरक़े के सिलसिले में गुफ्तगू हो। उनका मशवरा मैं चूँकि मैं नहीं समझता हूँ कि कोई दीन का दुश्मन है बस मैं ही मुहिब हूँ, नहीं, हर एक का अपने एक नुक्ते नज़र है, वो अपना नुक्ते नज़र पेश करता है और मैं समझता हूँ कि वो खुलूस से पेश करता है, ये उसका अपना नज़र है, उसके नज़र से मुझे आपको इख्तलाफ़ हो सकता है मगर ये नहीं कर सकते हम कि अगर कोई शख्स मुझे मशवरा दे तो मैं उसको देखिए अहले बैत की मोहब्बत इसमें नहीं है, नहीं, मौजूदा हालात के तहत हो सकता है वो कुछ लोग मसलन इत्तेहाद के सिलसिले में मशवरा देते हैं कि इत्तेहाद की बात हो, इख्तलाफ की बात बिल्कुल भी ना हो, ये कुरान करीम का भी इरशाद है वातसिमु बिहब्लिल्लाह जमीअन वला तफर्रुकु, जिस पर मैंने परसों कल गुफ्तगू की और उससे पहले भी गुफ्तगू की कि मकतबा अहलुल बैत न तो तफरक़े की दावत देता है न मकतब अहलुल बैत किसी मकतब की ज़िद में वजूद में आया है, किसी की ज़िद में इब्राहिम शिया थोड़ी हुए थे या किसी की ज़िद में मौसा और मौसा के मानने वाले शिया थोड़ी हुए थे, एक मज़हब है,
ये मज़हब जैसा कि सूरह कसस ने इरशाद फरमाया फस्तगाथ अल्लज़ी मिन शिआतिही, मूसा के शियों में से था, उसने मूसा को इस्तगासा किया, तो यकीन जानिए वो जो मूसा का शिया था वो फिरौन की दुश्मनी में शिया नहीं था, बल्कि शिया मज़हब शिया उसका था, फिरौन की दुश्मनी में शिया नहीं बना था बल्कि उसका मकतब शिया था, उसका मज़हब शिया था। इसी तरह से इब्राहिम खलील सलामुल्लाह अलैह के बारे में सूरह साफ़ात की 73वीं आयत ने यह फरमाया कि इन्न मिन शिअतिही ला इब्राहिम, यकीनन यानी शक और तर्दीद को दूर करने के लिए इन्ना आता है, इन्नमा युरीदुल्लाह, इन्ना इन्नमा यतकब्बलुल्लाह मिनल मुत्तकीन अमालहुम। यकीनन आप जानते हैं इस हर्फ़ इन्नमा से तो यकीनन आप वाकिफ हैं, ये ताकीद के लिए, शक को दूर करने के लिए, इन मिन शिअतिही ला इब्राहिम, यकीनन बिला शक नूह के शियों में से एक इब्राहिम थे। तो ये नहीं कहा कि नमरूद के मुकाबले में शिया थे इब्राहिम, नहीं, नूह इस मजहब तशय्यो को लेकर आए थे, उसी मजहब को लेकर चले इब्राहिम, ये उनका मजहब था, ये उनका मकतब था, किसी की दुश्मनी में नहीं। तो अब सवाल ये कि अगर हम अपने मजहब की बात करते हैं तो ये तो हर एक का हक है अपने मजहब की हकानियत साबित करें, किसी के हक को हम सल्व करके हम उनके ऊपर थोप दें तो आप कह सकते हैं या आप ये क्या बात कर रहे हैं। सुभान अल्लाह, इंटरनेट भरा हुआ है और हम उसका जवाब भी न दें, यानी हमारे जो जवान सुनने के लिए आते हैं नमाज हर फिरका पढ़ता, हाथ बांध के पढ़े या खोल के, वुजू हर शख्स हर फिरका करता है, वो खाद पैर धो ले या मसा कर ले, हज हर फिरका करता है, इंसान परेशान है कहाँ, जहाँ इख्तलाफ है वहाँ वो किस राह को इख्तियार करे, चौराहे पर जाके उसे गलतफहमी होती है कहाँ जाऊं। इसलिए चूंकि इसी बिना पर अकीदे को जो हैसियत हासिल है इस्लाम में वो अमल को नहीं है, अमल की अमल नमाज है, अमल यानी इसके माने ना कि अमल ये जहन में रखिए, और खास तौर से अहले बैत के मानने वाले, सुभान अल्लाह, मैं अपनी रहबरी के लिए सिर्फ मासूम को मुंतखब करूं, ये सिर्फ मकतब अहले बैत है, मैं हत्ता दो रकात नमाज भी उस पेश नमाज के पीछे पढ़ूं जो आदिल है, सुभान अल्लाह, मैं तो आदिल की तलाश करूं और खुद फासिक, मैं मासूम को तलाश करूं और खुद फाजिर, कैसे है? जब आपको तलाश मासूम की है, आपको तलाश आदिल की है, तो आप अपना भी जायजा लीजिए, अपना जायजा लीजिए। इसलिए जब मासूम, अब मैं चूंकि सवालात हैं, इन सवालात के जवाब में मैंने पूरी कोशिश की, अमर बिलमारूफ तस्किए नफ्स, मैं नफ्स को लेकर चला था 10-20 मिनट, मैंने नफ्स के सिलसिले में जो नफ्स के खतरात हैं, जो नफ्स के नुकसानात हैं, नफ्स मारक है और किस तरह से उसको कंट्रोल किया जा सकता है, कैसे हम मसलन शुरू, अब चूंकि खालिस इस मौजू पर गुफ्तगू करके जो हदफ करबला का है, अगर उस हदफ के नतीजे से हम सर्फ नज़र करें तो हम नमाजी तो पाजामे पहन के नमाजी तो बन जाएंगे, मगर क्या विलायत भी आ जाएगी? विलायत के बगैर ना नमाज कबूल है, ना रोज़ा कबूल है, ना हज। मेरी आपकी दो रकात नमाज की हैसियत क्या है जब रिसालत कबूल नहीं है? रिसालत व इन लम तफअल फमा बल्लगत रिसालत, ये अगर नहीं किया आपने रिसालत का कोई काम नहीं किया। विलायत बमुकाबले रिसालत है, तो ऐसी सूरत में मैं इस सिलसिले में चूंकि आज की मेरी पूरी गुफ्तगू जिस साहिल ने सवाल किया है मैंने वादा किया है उसका जवाब दूं, और इस मौजू पर यह गुफ्तगू अगर मुकम्मल नहीं, मेरी सारी गुफ्तगू सिर्फ कुरान से होगी, मैं किसी न उसूल काफी न मल्लाज अल फकीर न बुखारी न बिहार न अर्ज करूं आपकी खिदमत में मुस्लिम, नहीं, सिर्फ कुरान से गुफ्तगू होगी। इसके मेरी गुफ्तगू अगर मुकम्मल न हो सकी तो इस गुफ्तगू का ततिमा खास तौर से मौजूद यह है रात के 2:30 बजे जो मजलिस रखी है, वो बच्चा मैं जब आता हूँ तो सारी किताबें लेकर आता है, मोहम्मद उनके वालिद ने
हर साल मजलिस रखता है, यकीनन आप हजरात को पता होगा, रात के 2:30 बजे अल-महदी में जो मजलिस होती है वो अमजद भट्ट साहब की मजलिस होती है, तो उसमें उन्होंने मौजू दिया मुझे मारिफत इमाम। तो इस ततिम्मे के इस पूरी कोशिश के बावजूद अगर कुछ बाकी रहा तो वहाँ मौजू ही मारिफत इमाम है, रात के 2:30 बजे, आज रात के 2:30 बजे। तो इस मौजू को मैं यहाँ पूरी कोशिश करूँगा कि नाकिस न रहे, मगर कामिल अगर हो तो हद कमाल की कोई इंतहा नहीं है। इस बिना पर इसके जो सवालात थे इसराइल के, और ये सवालात वही हैं जो इंटरनेट पर भी आते हैं, ये सवालात वही हैं जिनको मैंने आपकी खिदमत में दोहराया भी था, खुतबा हज्जतुल विदा अरबी और इसका तर्जुमा, खुतबा गदीर अरबी तर्जुमा, क़यामत के दिन इमाम के साथ उठाए जाने का कुरान की आयत 71 का तर्जुमा और तफसीर सूरह बनी इसराइल, कुरान की आयत जिसमें मुबाहला का जिक्र है इसका तर्जुमा और तफसीर, आपका वो खुतबा जिसमें आपने कहा जिसका मैं मौला उसका अली मौला तर्जुमा के साथ, कुरान की आखिरी आयत तर्जुमे के साथ जो कि खुतबा हज्जतुल विदा में नाजिल हुई, कुरान में इमाम महदी का जिक्र तर्जुमा और तफसीर के साथ, कुरान की आयत जिसमें अल्लाह ने कहा हम अहम ऐलान कर दो, अगर न किया तो कुछ भी न किया। ये सवालात थे, इन सवालात का जवाब मैं चूंकि अक्सर व बेशतर जिस आए मुबाहला पर पूरी तफसील से आज 10वीं तकरीर है, हमारे जैद साहब मोहतरम ने पहली तकरीर को शुमार नहीं किया, खैर बहरहाल, मगर पहली तकरीर समेत आज 10वीं तकरीर है इस मौजू पर, चूंकि इन्होंने जो सवालात किए हैं मैं आपसे ख्वाहिश करता हूँ ये मौजू इस मौजू पर पूरी तफसील से गुफ्तगू के बावजूद अगर सवाल है किसी साइल का, बेशक उसको हक पहुंचता है। मजलिस आका अब अब्दुल्ला हुसैन की खूबी यही है कि आप इसमें सवाल कर सकते हैं, यहां ना सही जैसे इन्होंने किया, आप लिख के भेज दें, आप टेलीफोन के जरिए कर लें, आप किसी भी मुंतजमीन में से किसी को लिख के, ये किसी और को दिया गया था जो मेरे सामने बैठे हुए हैं उनको लिया दिया गया था, उनके थ्रू मुझे पहुंच, आप किसी को दें, कोई मुश्किल नहीं है। इनके अक्सर सवालात का जवाब, पहला सवाल यह था इनका कि आखिरी कुरान, चूंकि आए मुबाहला के सिलसिले में और आए तबलीग के सिलसिले में, आए मुबारक मुबाहले जिस पर मुसलसल में आज 10वीं गुफ्तगू है, आए मुबाहला पर तफसील से गुफ्तगू कर चुका, यकीनन ये गुफ्तगू उन तक पहुंच रही होगी, और मैंने कल वादा किया था इन सवालात को दोहरा के एक जामे जवाब में उनकी खिदमत में और सबकी खिदमत में पेश करता हूँ, और ये जवाब हर शख्स अपने पास रख ले कैसेट की सूरत में, वो देख ले। इमामत से मुतालिक हर तरह की गुफ्तगू हो चुकी, इमामत एक मनसब इलाही है, खुदा आदम से कहता है इन्नी जाइलन फिल अर्द, मैं ही, मैं नहीं, इन्नी है, मैं आना, मैं ही इन्नी, इन्नी जाइलन फिल अर्द खलीफा, मैं ही जाहिर है। वैसे भी आप अकली तौर पर देखें, मेरा आपका मुंतखब मेरा आपका नुमाइंदा है, खुदा का मुंतखब खुदा का खलीफा है, रसूल का मुंतखब रसूल का नुमाइंदा है, जिसको जो नुमाइंदा बनाएगा वो उसी का नुमाइंदा कहलाएगा। ये तो जुल्म और इफ्तरा है कि मुंतखब मैं करूं कहूं रसूल का नुमाइंदा, मुंतखब मैं करूं और कहूं खुदा का नुमाइंदा, ये तो ज्यादती है दीन के साथ, ये इब्तिरा है खुदा के ऊपर। जब आपका अकीदा यह है कि रसूल ने और खुदा ने किसी को मुंतखब नहीं किया, इसीलिए सकीफे में मुंतखब किया गया, तो फिर मान जाइए आप कहां कोई खुदाई मुंतखब शख्स नहीं है, मान जाइए आप कहां कोई रसूल की तरफ से मुंतखब शख्स नहीं है, मान जाइए। ठीक, हम आदम ने अपनी जिंदगी में खुदा के हुक्म पर अपने बेटे शीस को मुआयन किया, शीस ने मतुशल को अपना नाइब बनाया खुदा के हुक्म से, मतुशल ने महलाइल को, महलाइल ने खनुक को, नौ मुसलसल हजरत नू तक, हजरत नू नवी नस्ल में, और इत्तिफाक से चूंकि आका हुसैन को जब हम कहते हैं अस्सलाम अलैके वारिस आदम सफतिल्लाह, उसके फौरन बाद हम कहते हैं अस्सलाम अलैके वारिस नूहन नबीला, नौ का फासला है आदम और नूह के दरमियान, और ठीक नौ का फासला है आका हुसैन और आका हुसैन के आखिरी फर्जंद इमाम मेहदी के दरमियान, चूंकि
इस ज्यारत, मैं चूंकि ज्यारत वारसा पर गुफ्तगू नहीं करता, इसका एक फलसफा है, फिर हजरत इब्राहिम, फिर उसके बाद फौरन हजरत इब्राहिम का, फिर हजरत मूसा का, फिर हजरत ईसा का, सारे अंबिया के वारिस नहीं है क्या, सिर्फ इन्हीं के? ये एक फलसफा है ज्यारत वारसा में, एक अजीब फलसफा पोशीदा है, उस पर इस वक्त मेरी गुफ्तगू नहीं। मेरी गुफ्तगू मैंने वादा किया सिर्फ कुरान से। हमने तारीख के हवाले से, तारीख तबरी, नासिख तवारीख, कामिल तवारीख, ये तमाम अहले सुन्नत की किताबों से बताया कि हर नबी का जानिशीन वारिस खुदा मुंतखब करता है, नबी नहीं करता। नबी दुआ मांगता है, खुदा मैं अपने भाई को चाहता हूं, तू मुंतखब कर, हजरत मूसा की दुआ। नबी दुआ मांगता है हजरत इब्राहिम, रब काल वमिन जुर्रियती, खुदा मेरी जुर्रियत को भी दे। यहां आप देख रहे हैं कि नबी को भी इख्तियार नहीं है कि अपनी मर्जी से किसी को अपना जानिशीन बनाए, तो से मनसब मनसब इलाही है। खुदा के अलावा अनबिया को यह इख्तियार नहीं है, अनबिया सिर्फ ऐलान करते हैं कि खुदा की तरफ से मेरे मनसब पर अब यह है, वो ऐलान करते हैं, वो मुअय्यन नहीं करते। अगर वो मुअय्यन करते तो इब्राहिम को दुआ मांगने की जरूरत नहीं थी, मूसा को दुआ मांगने की जरूरत नहीं थी, याकूब को दुआ मांगने की जरूरत नहीं थी, यूसुफ को दुआ मांगने की जरूरत नहीं थी, फिर खातमुल अंबिया को दुआ मांगने की जरूरत नहीं थी, मुसलमान खुद मुंतखब करते। दुआ मांगने की वजह से खाने काबा ने मैं उनके नाइब को भेजा, अजब है, यानी भेजा वहां कि लोगों को पता चले जो छुपा भी ना सके। इब्तिदा से इंतहा तक अली की जिंदगी का एक एक लम्हा, फिर भी आपने नहीं माना, तो आज उस एंगल से इस मौजू पर गुफ्तगू है। मैं आपको खुदा का, रसूल का, जिब्रील का, कुरान का वास्ते देता हूं, मेरी इस गुफ्तगू से मुतालिक जवाब लाई है। रात भर मेहनत करके मैं कुरान को लेकर आया, मैं कुरान से गुफ्तगू कर रहा हूं, इस कुरानी गुफ्तगु का जवाब लेकर आइए। अब एक सलावात भेजिए, सूरह मुबारक निसा, सूरह मुबारक निसा आयत नंबर 41, अगर मेरी इंग्लिश की करात सही ना हो तो आप माफ कीजिएगा। जी हां, तो वो भी तो हमारे नामों को बिगाड़ते हैं, कोई सीधा नाम नहीं लेता किसी मुसलमान का, मोहम्मद है तो मोहम्मद, जबरदस्ती बिगाड़ते हैं, और हमारी जरा हसी लहजे में तब्दीली आए तो मुंह बनाते हैं, कोई मुश्किल नहीं है। बहरहाल तो आयत नंबर सूरह मुबारक निसा अहम तरीन गुफ्तगू है, आप जहन को पूरी तरह मेरी तरफ मुतवज्जे कीजिए, अहम तरीन गुफ्तगू है, और आका अब अब्दुल्ला अल हुसैन की कुर्बानी का यहां पर पूरा निचोड़ है। आपसे ख्वाहिश है कि आज की शब की मुनासिबत से भी इस गुफ्तगू को पूरी तवज्जो से सुनिएगा। इरशाद होता है सूरह वारके निसा आयत नंबर 41, फकैफा फकैफा इज़ा जेना मिन कुल्ली उम्मतिन बिशहीदिन वजेना बिका अलाहा उलाई शहीदा, फकैफा कैसा हो, क्या होगा, कैसे होगा, कब, जब, इदा जेना जब हम ले आए, मिन कुल उम्मतिन बिशहीदिन, आदम से ए खातमुल अंबिया तुझ तक हर उम्मत में से उस उम्मत का एक गवाह उस उम्मत के साथ लेकर आए मैदान महशर में लेकर आएंगे। वह भी शहीद वजेना बिक अलाहा उलाई शहीदा, और हर उम्मत का गवाह जब बन के उस उम्मत को लेकर मैदान महशर में, व इदल इदा शम्सु कुव्वरत व इदा नुजूम कदरत व इदल जिबाल सुयरत, उस दिन जब व इदल वहूश हुशिरत, उस दिन जबकि कायनात कुल की मखलूक कुल उस रब कुल के सामने, मालिक कुल के सामने जब खड़ी होगी, तो उस वक्त हर इंसान, हर कौम, हर मिल्लत को जब खुदा लेकर आएगा अपनी बारगाह में, तो हर कौम अपने आमाल का एक गवाह भी लेकर जाएगी बारगाह इलाही में, एक गवाह को लेकर जाएगी, हमने ये किया है, हमने नहीं किया, एक गवाह भी जाएगा
یہ صریح قرآن کریم کی آیت ارشاد ہوتا ہے فکیف، کیا ہوگا وہ منظر، اذا جینا جب ہم لے آئیں، من کل امت بشہید، ہر امت میں سے ایک گواہ کو، من کل امت، زور کل کے اوپر ہے، من کل امت بشہید، ہر امت میں کے ساتھ ایک گواہ کو، وجینا بک علی ہؤلاء شہیدا، اور اے میرے حبیب ان گواہوں کا گواہ آپ کو بنا کے لے آئیں گے۔ تو ہر پیغمبر امت سے افضل ہے، ہر پیغمبر امت کا امام ہے، ہر پیغمبر خدائی نمائندہ ہے۔ تو جس طرح سے ایک امت کی نسبت ایک پیغمبر کی طرف ہے، بالکل اسی طرح سے سارے انبیاء کی نسبت میرے خاتم الانبیاء کی طرف ہے۔ میرے خاتم الانبیاء، ہر نبی اپنی امت کا گواہ، اور میرا نبی سارے انبیاء کا گواہ۔ یہاں خاتم الانبیاء کی اسی لیے، سید الانبیاء اسی لیے، سردار انبیاء اسی لیے، جب ہر امت کا گواہ اس امت کا نبی بن کر آئے گا تو خود ان انبیاء کے لیے گواہ کی ضرورت ہوگی۔ کیسے؟ سورہ اعراف، سورہ وارقعہ اعراف، سورہ اعراف میں ارشاد ہوتا ہے، ایک سوال بھیجئے گا، صلوات بھیجئے گا، سورہ اعراف آیت نمبر 6 ارشاد ہوتا ہے، فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ اُرْسِلَ إِلَيْهِمْ، آیت نمبر 6 سورہ اعراف، وَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ اُرْسِلَ إِلَيْهِمْ، ہم ہر اس قوم سے ایک ایک قطرے، ایک ایک ذرے کا سوال کریں گے کہ جن کی طرف ہم نے مرسلین کو بھیجا تھا، جن کی طرف ہم نے انبیاء کو بھیجا تھا، ان سے سوال کریں گے کہ انبیاء نے تم تک میرے حقائق پہنچائے تھے، تم نے کیوں روگردانی کی، تم غلط راستے پر کیوں گئے، کتاب میں نے بھیجی، نبی میں نے بھیجا، ہادی میں نے بھیجا، راہ میں نے دکھائی، زمین میری، زمان میرا، ہوا میری، غذا میری، اور تو نے میری مخالفت کیوں کی؟ ہم پوچھیں گے، جب پوچھ لیں گے تو انسان کی بنائی ہوئی عادت ہے، وہ کہے گا نہیں میں نے مخالفت نہیں کی، گواہ سامنے آئے گا۔ وہاں پر خدا ارشاد فرماتا ہے، وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ، جن کی طرف ہم نے بھیجا ہے اس قوم سے ہم سوال کریں گے، اس کے بعد وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ، اس کے بعد ہم مرسلین سے پوچھیں گے کہ تم نے ان کو ہدایت کی نہیں کی، ٹھیک، مرسلین سے ہدایت کی جائے گی، انبیاء سے بات پرس ہوگی، جب انبیاء سے بات پرس ہوگی تو انبیاء کہیں گے ہم نے تو کیا ہے، جیسے حضرت عیسیٰ کا آگے سورہ آل عمران، حضرت عیسیٰ، انت قلت اتخذونی و امی الہین، عیسیٰ میدان محشر ہے، 124,000 انبیاء اپنی امتوں کے ساتھ کھڑے ہیں، آواز آ رہے کیا عیسیٰ تو نے کہا تھا مجھے اور میری ماں کو معبود بنا لو، بات پرس سختی سے انبیاء، کیا تو نے کہا تھا، انت قلت اتخذونی و امی الہین، کیا تو نے یہ کہا تھا مجھے اور میری ماں کو خدا بنا لو؟ حضرت عیسیٰ کہہ رہے ہیں میرے معبود، جو تو نے میرے ذمہ ڈالا تھا میں نے اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں کہا، میں نے کبھی نہیں کہا اس قوم سے مجھے اور میری ماں کو خدا بنا لو، یہ انہوں نے اپنی طرف سے بنایا ہے، میں نے نہیں کہا، میں نے تو وہی کہا جو تو نے کہا، جو میں نے کہا وہ تو بہتر جانتا، اور تو تیرا علم جو ہے وہ میں نہیں جانتا ہوں۔ یہ حضرت عیسیٰ کی گفتگو میدان محشر میں۔ اسی طرح سے تمام انبیاء کے صرف مثال کے طور، چونکہ مجھے تب بہت گفتگو کرنی ہے، میں ایک مثال دی، حضرت عیسیٰ، حضرت نوح، حضرت آدم، آدم سے خاتم الانبیاء تک ایک ایک نبی سے بات پرس ہوگی، تو انبیاء کا گواہ بن کر خاتم الانبیاء آئیں گے۔ ایک آیت سورہ نساء، دوسری آیت سورہ اعراف، ایک اور صلوات بھیجیں، سورہ جس آیت کے بارے میں اس محترم نے سوال کیا ہے وہ سورہ وارقعہ بنی اسرائیل کی آیت ہے، اس پر میں آخر میں گفتگو کروں گا۔ یہاں تک تو آپ نے دیکھا کہ خدا سورہ اعراف میں، خدا سورہ نساء میں، خدا سورہ بقرہ میں، خدا سورہ آل عمران میں، خدا عالم ارشاد فرماتا ہر فرد سے ہم سوال کریں گے۔ مسلمانوں کا عقیدہ ہے بارگاہ الہی میں ہم سے سوال، یہودیوں کا عقیدہ ہے ڈے آف ججمنٹ، یہودی مانتے ہیں ڈے آف ججمنٹ، عیسائی مانتے ہیں ڈے آف ججمنٹ۔ ججمنٹ یعنی ایک دن ہے، فیصلے کا دن، جہاں میرے ایک ایک عمل کی مجھ سے باسپورس، ٹھیک ہے،
इस पर मुझे ज्यादा जोर नहीं देना, हम सब अकीदे वाले बैठे हैं, मानते हैं किस नुक्ते की तरफ हम जा रहे हैं, वो ये कि इरशाद होता है दूसरी जगह जहां पैगंबर खुदा के बारे में और हर उम्मत से सवाल के बारे में इरशाद होता है, वो है सूरह वाकिया नहल आयत नंबर 89, आयत नंबर 89 सूरह नहल इरशाद होता है, वयौम नबअथु फी कुल्लि उम्मतिन शहीदन, याद रखो उस दिन को जिस दिन हम हर उम्मत में से एक गवाह लेकर आएंगे, अलैहिम जो उन पर गवाह बनेगा, मिन अनफुसिहिम जो उन्हीं के दरमियान में से होगा, वजेना बिक शहीदन अला हाउलाए, मेरे हबीब उन गवाहों का गवाह बनाकर हम आपको लेकर आएंगे, उन गवाहों का गवाह आपको बना के ले आएंगे। तो पता चला कि जहां अनबिया अलैहिमुस्सलाम के लिए गवाह की जरूरत पेश आएगी, जहां जब अनबिया की नबुवतों और उनकी जहमतों के लिए किसी गवाह की जरूरत पेश आएगी, तो वह होंगे खातमुल अनबिया, और हर नबी अपनी उम्मत का गवाह होगा। सूरह वाकिया नहल आयत नंबर 89 इरशाद होता है, लिकुल उम्मतिन शहीदन, हम वज्जेना बिक शहीदन अला हाउलाए, वनज़लना अलैकल किताब तिबयानन लिकुल्ली शय, और हमने इसीलिए तो तुझ पर वो किताब नाजिल की है जो हर शय की बयान करने वाली, वहुदा व रहमतन व बुशरा लिल मुस्लिमीन, हिदायत भी है, रहमत भी है और खुशखबरी भी है मुसलमानों के लिए। इन्नल्लाह यामुरु बिल अदल वल एहसान, ये आयत आगे चलती है, आगे चले जाइए सूरह वाकिया बनी इसराइल, जिस आयत के बारे में इस मोहतरम ने सवाल किया वो आयत अब आ रही है। पता चला अब तो आपको तसल्ली है कि उस मैदान महशर में अनबिया अलैहिस्सलाम से भी बासपुरस होगी, अनबिया से भी खुदा पूछेगा कि तुमने अपनी जिम्मेदारी पूरी की या नहीं। अनबिया जब कह देंगे हमने की, तो उनके गवाह खातमुल अनबिया बन के सामने आएंगे, और हर उम्मत का गवाह कुरान करीम ने किसको करार दिया, अगर आप जाग रहे हैं तो बोले, उस उम्मत का नबी, उस उम्मत का नबी, उस उम्मत का गवाह है, दुरुस्त, उस उम्मत का गवाह है उस उम्मत का नबी। आइए कुरान करीम सूरह वाकिया बनी इसराइल, सूरह असरा भी इसका नाम है, सूरह बनी इसराइल भी इसका नाम है, आयत नंबर 71 इरशाद होता है, यौम नदउ कुल्ल उनासिन बिइमामिहिम, याद रखो उस दिन को जिस दिन हम हर गुरोह इंसानी को, हर गुरोह इंसानी को उसके इमाम के साथ बुलाएंगे, जब उसके इमाम के साथ बुलाएंगे, फमन ऊतिय किताबहु बियमीनि, उस दिन जिसकी किताब आमाल की किताब उसके दाएं हाथ में थमा दी जाएगी, फमन ऊतिय किताबहु बियमीनि फऊलाइक यकरऊना किताबहुम वला युत्लमूना फतीला, वो कामयाब हैं, उन पर जर्रा बराबर जुल्म नहीं होगा, ये वही लोग हैं, उलाइक यकरऊना किताब, बड़ी खुशी से अपनी किताब पढ़ लेंगे, वला युत्लमून फतीला, जर्रा बराबर उन पर जुल्म नहीं होगा। वमन उसके बाद इरशाद होता है, वमन कान फी हाज़िही आमा, ये नहीं कहा बहुत सी आयत में, सूरह कारिया में, सूरह क़यामत में, सूरह तकवीर में, ये आयत इस तरह से, वमन ऊतिया किताबहु बिशिमाले, और जिस का आमाल नामे की किताब उसके बाएं हाथ में थमा दी जाए, वो तड़प कर रोएगा, कहेगा काश ये किताब मुझे न दी जाती, मैं अपनी किताब को न पढ़ लेता। वहां शिमाल कहा है, यानी यमीन के मुकाबले में, दाएं के मुकाबले में, दाएं हाथ के मुकाबले में बायां हाथ कहा है 10 जगह कुरान करीम ने। यहां पर इरशाद फरमाया सूरह बनी इसराइल में, इरशाद होता है हम हर गुरोह इंसानी को उसके इमाम के साथ बुलाएंगे, क्यों नहीं कहा नबी के साथ बुलाएंगे, साबिका आयत में नबी के साथ, इस आयत में इमाम क्यों कहा, इसलिए कि नबुवत अब इख्तिताम को पहुंच रही थी, अब इरशाद हुआ कि हम हर गुरोह इंसानी को उसके इमाम के साथ बुलाएंगे, उसके इमाम के साथ बुलाएंगे, मेरा जोर इसी पर है, उसके इमाम के साथ बुलाएंगे, फमन ऊतिय किताबहु बियमीनि, जिसने इमाम को किताब से तफसीर किया है, वो जरा जुमले को मिला के तो देख ले कि जिसकी किताब उसके हाथ में थमा दी जाए, तो अब पहले जुमले में भी अगर किताब है इमाम से मुराद, तो क्या इमाम हाथ में थमा दिया जाएगा, कैसी बेवकूफी है। जो शख्स इमाम, यानी इमाम जिसने, जिस इमाम को मुंतखब किया है जिंदगी में, जिसकी सीरत को अपनाया है जिंदगी में, जिस शख्सियत को अपना आइडियल बनाया है जिंदगी में, जिसके नक्शे कदम पर चलता था माजरत के साथ, कि
किसी ने अगर फिल्मी स्टार को बहुत पसंद करके उसी के किरदार को अपनी जिंदगी का नमूना बनाया है वो उसी के साथ जाएगा। किसी ने अगर यजीद को बनाया उसी के साथ जाएगा। किसी ने हुसैन को बनाया वो हुसैन के साथ जाएगा। किसी ने नमरूद को बनाया वो नमरूद के साथ। किसी ने फिरौन, जिसने इस जिंदगी में जिसको अपना कायदो इमाम तस्लीम किया है वो उस दिन उसी के साथ जाएगा। ठीक, मेरी गुप्तगु यहां तक तो कोई नई गुप्तगु नहीं। नई गुप्तगु क्या है? नई गुप्तगु और कीजिएगा, कुरान करीम सूरह वारके बनी इसराइल, ये जो कुरान ने सूरह निसा में, सूरह नहल में, सूरह बनी इसराइल में, सूरह कसस में, सूरह नूर में, ये जो कुरान करीम का इरशाद है कि हम इस जमीन को अपनी हुज्जत से खाली नहीं छोड़ते। तो मेरा सवाल यह है, आदम अपनी औलाद का गवाह, शीस अपनी औलाद का गवाह, महलाइल अपनी उम्मत का गवाह, खनूक अपनी उम्मत का गवाह, नूह अपनी उम्मत का गवाह, इब्राहिम अपनी उम्मत का गवाह, इस्माइल अपनी उम्मत का गवाह, इसहाक अपनी उम्मत का गवाह, याकूब अपनी उम्मत का गवाह, यूसुफ अपनी उम्मत का गवाह, बनियामिन अपनी उम्मत का गवाह, इलियास अपनी उम्मत का गवाह, ता आइए मैं नहीं यूनुस हो, हजरत इलियास हो, हजरत याकूब की पूरी नस्ल, जकरिया हो, याहिया हो, शुएब, ये सब गिनता जाऊं तो जाहिर है अनबिया की तादाद ही अगर गिनता जाऊंगा तो एक घंटा कम से कम लग जाएगा। अनबिया आदम से लेकर खातम तक हर नबी अपनी उम्मत का गवाह। ठीक, तो खुदा तीन आयतों में खुदा ने फरमाया, आखिरी सूरह बनी इसराइल की आयत में फरमाया, यौम नत कुल्लु उनासन कुल्लु इन उनासन भी इमाम, हम कयामत के दिन हर कुल के माने कुल सब के सब सारे इंसानों को उसके इमाम के साथ बुलाएंगे। मेरा सवाल उम्मत मुस्लिमा से यह है, मैं कुरान का वास्ता देता हूं, खुदा का वास्ता देता हूं, इसका जवाब लेकर आए कि खातमुल अंबिया से लेकर आदम तक हर उम्मत के आमाल का गवाह नबी हो। खातमुल अंबिया से आज तक तुम्हारा गवाह कौन है? क्या सुन्नत इलाही बदल गई? क्या इलाही रविश बदल गई? क्या कुरान का तर्ज, तौरात का तर्ज, जबूर का तर्ज बदल गया? जब खातमुल अंबिया तक और कुरान का इरशाद मिन कुल्ल उम्मतिन हर उम्मत से, तो क्या आप उम्मत नहीं है? या तो मान जाए हां मैं खातमुल अंबिया की उम्मत से हूं, या तो मान जाए खातमुल अंबिया जिंदा है, फिर ना कहिए मुर्दा है। गवाह तो जिंदा बन सकता, मुर्दा तो गवाह नहीं बन सकता। गवाह आज के इस फासिक और फाजिर और काफिर और जालिम मुल्क के जज के पास भी जाएंगे, कहने सकते फला मरू मेरा गवाह, जज कहेगा गवाह लेकर विटनेस सामने हो, आप नहीं कह सकते। तो फिर मानिए खातमुल अंबिया को कम से कम इसी आयत के मुताबिक मान जाइए, या अय्युहन नबी इन्ना अरसलनाक शाहिदं व मुबशिरं व नजीरा, ऐ नबी हमने तुझे गवाह बना के भेजा, शाहिदं व मुबशिरं बशारत देने वाला बना के भेजा, व नजीरा और डराने वाला बना के भेजा। तो खातमुल अंबिया अगर अपनी जिंदगी की हद तक गवाह हैं, तो खातमुल अंबिया जब जिंदगी की हद तक गवाह हैं, तो फिर साबिका अंबिया के लिए खुदा उनको गवाह क्यों बना के ला रहा? वहां तो नबी थे नहीं, आदम की गवाही क्यों देंगे मेरे पैगंबर? नूह की गवाही क्यों देंगे? सालेह की, इसहाक की, याकूब की, यूनुस की, इब्राहिम की, मूसा की, ईसा की गवाही क्यों देंगे जब थे नहीं? तो मान जाइए थे। कुरानी निजाम अंधा नहीं है कि रिश्वत दे के जिसको पकड़ के ले आ जा गवाही दे तो खुदा कहे हां तू गवाह लेकर आया। कुरानी निजाम खुद आखिरत में 10 गवाह हैं हर फर्द के, उनमें से पहला गवाह तो खुद खुदा है, अल्लाहु शाहिदुन, उसके बाद रसूल है, उसके बाद ये दोनों फरिश्ते हैं अतीद और रकीब, जो न सिर्फ लिखते हैं फिल्म बनाते हैं। सूरह यूसुफ की तफसीर एक सुन्नी आलिम दीन की लिखी हुई तफसीर है, सूरह यूसुफ की तफसीर फिल्म बनाते हैं, ये मकतबा अहले बैत में भी खुलासतुल अखबार में याकूब के वाक़े, हजरत याकूब और हजरत यूसुफ के वाक़े में दिया। बरादरा ने यूसुफ जब हजरत यूसुफ के पास पहुंचे तो बाकायदा फिल्म देखी, ये लफ्ज फिल्म है जबकि किताब फिल्म के वजूद से पहले 300 साल पहले लिखी हुई है, जबकि फिल्म को 300 साल नहीं हुआ अभी।
फिल्म उस किताब में है मासूम की जबान से, जैसे 1400 साल पहले मौलाए कायनात ने फरमाया था छतों पर, खिड़कियों पर, दरवाजों पर, ऑफिस में, घरों पर आंतीना होगा। तो उस वक्त आंतीना नामी कोई चीज तो नहीं थी, मगर इमाम, इमाम जिससे कोई चीज पोशीदा नहीं है, इसलिए कि उनसे पोशीदा हो तो फिर गवाही कैसे, गवाह कैसे, जिसे यह इल्म ना हो किसने छुरी चलाया उसके पेट पर, जो अपने कातिल को ना पहचाने उम्मत की गवाही कैसे है, कैसे। गौर कीजिए, आप सोचिए, यहां अब सूरह बनी इसराइल की अगली आयत क्या कहती है, उसी पर मुझे गुफ्तगू करनी है। अगली आयत सूरह बनी इसराइल की आयत ने कह दिया यौमा नदउ, उस दिन याद रखो उस दिन को जिस दिन नदउ हम बुलाएंगे, यदउ नास, हम उस दिन तमाम गुरोह इंसानी को, तमाम कुल के कुल इंसानों को बुलाएंगे, भी इमामिहिम उनके, तमाम कुरानी आयात में, तमाम कुरानी आयात में इस आयत के मुकाबले में इरशाद हुआ फमन ऊतिय किताबहु बियमीनी, बस जिसका नामे अमल उसके दाएं हाथ में थमा दिया जाए बड़ी खंदक पेशानी से पढ़ लेगा। यह मौजू आगे चलता है अगली से अगली आयत में, बल्कि सूरह बनी इसराइल की यह इब्तदाई आयत है, यह 15 16 17 आयतें चल रही है, आखिर में जाकर फिर इंसान की मौत पर यह सूरह गुफ्तगू करता है। वकुल्लु इंसानन अल्ज़मनाहु ताइरहु फी उनुकिह, हमने, यही सूरह बनी इसराइल, हमने हर इंसान के नाम अमल को लपेट के उनुकी उसकी गर्दन में बांधा है। ثم نخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا, जब इसे निकालेंगे कबर से तो यह अपनी किताब खुली हुई पाएगा। कुरान करीम में दो तीन जगह कुरान को इमाम कहा है, इससे इनकार नहीं है, कुरान इमाम है, दुरुस्त कुरान इमाम है, मगर आप रविश आयात की रविश को देखें, आयात के सियाक व सबाक को देखें, आयात के हकायक को देखें, यहां न तावील की जरूरत न परेशानी की जरूरत। जब सूरह बनी इसराइल में किताब पर जिक्र करा कुरान तो इरशाद फरमाता वकुल इंसान अल्ज़मनाहु ताइरहु फी उनुकिह, ताइर यानी उसका नाम अमल लपेट को उसकी गर्दन में बांधा है। ثم نخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا, जब हम कयामत के दिन इसको निकालेंगे कब्र से तो वह अपनी किताब मंशूरा खुली हुई पाएगा अपनी गर्दन में। उस दिन हम कहेंगे इक़्रा किताब, पढ़ ले तो अपनी किताब, कफा बिनफ्सिकल यौम अलैका हसीबा, आज तेरे मुहासिबे के लिए खुद तेरी किताब काफी है, पढ़ ले। उस वक्त सारे अनपढ़ पढ़े लिखे हो जाएंगे, उस वक्त कोई नहीं कहेगा कि वो तो जाहिल है, सब माशाल्लाह से आलिम हो जाएंगे, सब पढ़े लिखे हो जाएंगे। यहां कुरान करीम किताब को किताब ही से ताबीर करता, सूरह बनी इसराइल में खुद किताब को इमाम से ताबीर नहीं किया। ये क्या बात हुई कि हम इमाम के साथ बुलाएंगे और किताब उसके हाथ में थमा देंगे, बनता नहीं है। तो इमाम के साथ बुलाया जाएगा तो जो सही इमाम के साथ जाएगा उसका अमाल नामा उसके सीधे हाथ में दिया जाएगा, इसलिए कि वो सीधी राह पर था, सिरात मुस्तकीम पर था, सिरात मुस्तकीम, चूंकि खुद इमाम सिरात मुस्तकीम है, तो इमाम चूंकि सिरात मुस्तकीम था, इस पर इसी बात पर कि इमाम सिरात मुस्तकीम है, ए अली आप सिरात मुस्तकीम है, ये रिवायत इब्न हजर मक्की ने सवायक मुहरका में, ये रिवायत हाकिम निशापुरी ने मुस्तदरक में, ये रिवायत अहमद इब्न हंबल ने मुस्नद में, ये रिवायत तकरीबन 40 किताबों से नकल किया है। हजरत आयतुल्ला शहीद बुजुर्गवार आगरा में, जिस सैयद बुजुर्गवार की कब्र मुकद्दस है, शहीद बुजुर्गवार आयतुल्ला सैयद नूरुल्लाह शुस्तरी ने अपनी किताब अहकाकुल हक की 9वीं जिल्द में सफा 150 के ऊपर 40 इसी मौजू पर 40 रिवायतों को नकल किया है। या अली अंत सरात, ये जो या अली, ये जो परवरदिगार आलम ने किसी और सूरे को फर्ज करार नहीं दिया, जो सूरे चाहे पढ़ ले, मगर सूरे हम के बगैर नमाज नहीं हो सकती, उसकी वजह यह है या अली अंत सरात, तू सरात है, तो अब अली से बचना है तो नमाज छोड़ दो।
انت سرات, تو سرات ہے, چونکہ امام سرات ہے اور امام ہی کی راہ پر امام ہی کل. اب آئیے اگلی آیت جو بنی اسرائیل کی اگلی آیت, سورہ بنی اسرائیل کی اگلی آیت ہے, وہ کیا کہتی ہے؟ ارشاد ہوتا ہے یوم ندعو کل اناس بامامہم فمن اوتی کتابہ بیمینہ فاولئک یقرؤون کتابہم ولا یظلمون فتیلا. ذرہ برابر ان پر ظلم نہیں ہوگا, خندہ پیشانی سے اپنی کتاب پڑھ لیں گے. ومن کان فی ہذہ عاما, اور جو یہاں اندھا تھا, نہیں کہا جس کی کتاب ہم بائیں ہاتھ میں تھما دیں گے, نہیں کہا, کہا اندھا. ابھی بھی آپ نے توجہ نہیں دی. میں نہیں میری خواہش نہیں کہ آپ واہ واہ کہیں, اگر توجہ دیتے تو خود یہ تو واہ واہ آپ کی مرضی میں نہیں ہے, یہ بے اختیاری کام ہے. یہ آپ نہ بھی چاہیں, کسی خطیب کو نہیں بھی چاہتے, مگر جو جب نقطہ بیان کرے گا تو آپ کا ضمیر بولے گا, آپ اپنے ضمیر کو روک ہی نہیں سکتے. وہ واہ جو ہے, واہ اور آہ ضمیر کی آواز ہے. وہ جی ہاں, اب آگے دیکھیے قرآن کریم کا ارشاد. وَمَن كَانَ فِي هَذِهِ عَامَ, جو یہاں اندھا تھا, فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ عَامَ. بات ختم ہو گئی, بات ختم. کون ہے یہ اندھا؟ یہ اندھا کون ہے؟ قرآن نے اس کو اندھا کیوں کہا؟ اس کو کیوں اندھا کہا؟ یہ کون ہے اندھا؟ ہر طرح سے دلائل دیے. ابن حجر مکی آدھی سوائق محرقہ پوری کی پوری, اس کے مقدمے میں لکھا ہے زنادقہ, ہم کو زندیق کہا, گالی سے یاد کیا, ٹھیک ہے, اس کا لطف ہے, کوئی مشکل نہیں ہے. کہا کتاب کی جلد پر زنادقہ کی رت میں میں لکھ رہا ہوں. جب کتاب, جب میری آپ کی مکتبہ اہل البیت کی تردید میں جب کتاب لکھنے بیٹھ جاتا ہے تو اسے تلاش کرنا پڑتا ہے کہ خود ہماری کتابوں سے کچھ نکالے جو دلیل کے طور پر ہمارے منہ پر مار دے. جب وہ مکتبہ اہل البیت کو پڑھنے لگا تو پڑھنے کے بعد میں جس لفظ کو ڈرتے ڈرتے کہتا تھا انہوں نے بلا خوف کہہ دیا. میں کہہ دیتا کہ علی پیغمبر کے سر ہیں تو میرا سر اڑا دیتے. اب ابن حجر مکی کہتا ہے علی کی نسبت پیغمبر کے لیے, خود پیغمبر نے فرمایا یا علی تیری نسبت میرے لیے وہی ہے جو میرے سر کی نسبت جسم کے لیے. تو تمام نبوت, تمام عقل, تمام شعور, تمام توحید, تمام انسانیت اوپر ہے یا نیچے؟ سر, پیغمبر خدا کہیں سر سے تشبیہ دے کے تعارف کرائے, کہیں نفس سے تشبیہ دے کے قرآن تعارف کرائے, کہیں ولی کہہ کر تعارف کرائیں, کہیں ایمان کل کہہ کر تعارف کرائیں, کہیں خدا اسی کو چاہتا, یہ خدا کو چاہتا کہہ کر تعارف کرائیں, کہیں مرضات اللہ سے تشبیہ دے کے تعارف کرائیں. اگر لیٹ جائے تو مرضات اللہ, اگر میدان میں چلے تو سیف اللہ, اگر محراب آئے تو عبداللہ, اور اگر سمجھ میں نہ آئے تو نفس اللہ, اگر کسی کی آنکھ کو دھوکا ہو تو عین اللہ, اگر زبان پر دھوکا ہو لسان اللہ, اگر کان پر دھوکا ہو اذن اللہ, اگر ہاتھ پر دھوکا ہو ید اللہ, اگر نفس پر دھوکا ہو نفس اللہ. تو اب جس کی جو سمجھ میں آیا وہ علی کو کہہ دیا, اے بندے خدا تو کم سے کم پیغمبر کا جانشین ہی مان, اگر تجھے آخرت میں علی کے ساتھ جانا ہے. اب میں آپ سے خواہش کرتا ہوں, جی ہاں بالکل آپ نے صحیح کہا,
ने सिर्फ बचना ही नहीं, दोस्तों से मुलाकात करना तो भी वहीं जाए जा। तो जाहिर है मैं सुभान अल्लाह जज़ाकअल्लाह आपने, तो मैं अब आपकी खिदमत में अर्ज करूं एक बात। दूसरी बात, क्या अदल इलाही के मनाफी नहीं कि खातमुल अनबिया से लेकर आदम तक हर मिल्लत और कौम के लिए एक गवाह बनाए और हमारे लिए कोई गवाह ना बनाए? क्या खातमुल अनबिया से कयामत तक हम नहीं जानते 6000 साल लगे, 2000 साल लगे, 1400 साल तो हो गए, आका इमाम जमाना रूह इलाहुल फिदा कब जाहिर होंगे हम नहीं जानते। अलबत्ता ये रिवायत अर्ज कर दूं, खुतबतुल बयान चूंकि एक साल दो साल पहले इसी मिंबर से पूरा शरफ पढ़ चुका हूं, उसमें एक जुमला जरूर है, मेरे कायम का जहूर उस वक्त होगा जब गुलामों की हुकूमत होगी। अभी नहीं समझे? कायनात पर गुलामों की हुकूमत होगी, अब होने वाली है 10 दिन के बाद। ये मजाक या ऐसे नहीं, खुतबा है मौलाए कायनात का। जब कायनात पर देख रहे हैं आप, हजरत का खुतबा है। इसी तरह से कलाम अमीर मोमिनीन, अब रास्ता खुला है तो हो सकता है इनका बात में भी कोई आए, बात में भी कोई आए, हमें नहीं पता, मगर जब मेरे कायम का जोर उस वक्त होगा जब कायनात पर गुलामों की हुकूमत होगी। वाजह है ये लफ्ज, वाजह है खुतबतुल बयान, सोच भी नहीं सकता था। कहां वो जहां बस में बैठने को सीट न दे। और हैरत की बात यह है, कौन सोच सकता था कि जिसका नाम हुसैन है वो, कौन सोच सकता था, कौन सोच सकता था वो शाम बनु उमैया का मरकज जहां फर्जंद रसूल खुदा का सर हो, वहां ऐसा शख्स हाकिम होगा जो अली को खुदा कह रहा हो, कौन सोच सकता था, कौन सोच सकता था इस बात को? क्योंकि हाफिज़ुल असद मौलाए कायनात को खुदा मानते थे, आलवी थे वो। बाद में उनको मकतबा अहलुल बैत की दावत दी, एक बहुत बड़े आलिम जो बाद में शहीद किए गए, उन्होंने इनको शिया बनाया। और ये बहुत, इस सिया मामे का ये खानदान बहुत कदर करता है, इन्हें पता है कि सिया मामा क्या, बहुत कदर करते हैं। बहरहाल मैं इस मौजू में नहीं जाता, मैं आपसे जो सवाल मेरा आपसे है, वो खुदा जो आदम से खातमुल अनबिया तक किसी कौम को गवाह से खाली ना छोड़े, जब हर कौम अपने गवाह को लेके जाएगी तो खातमुल अनबिया से आज तक, आज से लेकर कयामत तक, मेरा आपका गवाह कौन है? नबूवत खत्म हो गई है, नबी नहीं है, नबूवत खत्म हो गई है। नबूवत पर एतिकाद खिलाफ कुरान है, खिलाफ तौहीद है, खिलाफ सरवर कायनात। नबी चूंकि कुरान करीम ने खत्म है। और फिर सबसे बड़ी बात यह कि इस जलकदर सवाल करने वाले ने सवाल किया था, आखिरी आयत सूरह बरके माईदे की आखिरी आयत, अल्यौम अकमलतु लकुम दीनकुम, नबुवत क्यों खत्म हुई? इसलिए भी खत्म हुई, नबी के माने खबर देना, ऊपर से खबर का दरवाजा उस वक्त तक खुला था जब तक शरीयत मुकम्मल नहीं हुई थी, जब तक ऊपर से अहकाम के नुजूल की जरूरत थी। अब जब मोहर वहदानियत लग गई, अल्यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रदैतु लकुम लिस्लाम दीना, जब मोहर अकमलियत लग गई तो अब नबुवत का दरवाजा बंद है। मगर क्या नबुवत के दरवाजा बंद होने से गवाह भी खत्म? तलाश करो गवाह को, पकड़ लो गवाह, इसलिए कि मुझे आखिरत में अपना गवाह लेके जाना। अगर आप अपना गवाह, आज का शराबी या पहला, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, शराब मुंह से निकले या पेट से निकले कोई फर्क नहीं पड़ता, आप कैसा गवाह लेके जा रहे बारगाह इलाही में? मासूम को लेके जाएंगे तो खुदा इस्मत का पास रखेगा, वो खुदा जो अब्दुल मुतलिब का पास रख के कितनी दफा खाने काबा को ढाया, कितनी दफा हमला हुआ, क्यों नहीं ऐसा अजाब नाजिल किया खुदा ने? जब भी ढाते खाने खुदा तो तब था, इन्ना अव्वल बैतिन वुदिअ लिन्नास लल्लज़ी बिबक्कत मुबारक, जब रूए जमीन पर, जमीन जैसे ही बनी थी, जमीन के बनने के फौरन बाद जो घर बना वो खाने काबा था। बनने से आज तक खुद इस्लाम में कितनी दफा मुसलमानों ने आग लगाई, इसको मिसमार कर दिया, कितनी दफा इसको मिसमार कर दिया, जब भी मिसमार किया वो अजाब क्यों नहीं नाजिल हुई? इसलिए जब भी मिसमार किया था तो कोई अब्दुल मुतलिब नहीं था जो कह दे
कोई अब्दुल मुतलिब ना था जो कह दे खुदा तेरा घर है। चूंकि अब्दुल मुतलिब ने कहा था, खुदा ने भी कहा, अब्दुल मुतलिब तूने कहा, चूंकि तू मासूम है तेरी इस्मत को मैं बरकरार रखूंगा, इसलिए कि मासूम की दुआ रद्द नहीं होती है। अब्दुल मुतलिब के निकले हुए जुमलों का रद्द न होना इस बात की दलील है कि मेरे पैगंबर के दादा भी मासूम थे, बाप भी मासूम थे। वरना कितनी दफा खाने काबा को ढाया, क्यों नहीं अबाबिल को भेजा? अलम तर कैफ फअल रब्बुका बिअस्हाबिल फिल अलम यजअल कैदहुम फी तदलील व अरसल अलैहिम तैरन अबाबिल। परवरदिगार उस वक्त तेरी कुदरत को जोश आया, उसके बाद जब अब्दुल्लाह इब्न जुबैर को निकालने के लिए आग लगा दी गई, अभी 20 साल पहले कोई यमनी घुसा तो यहां फ्रांस से फौज लेके गए, काफर मुशरिक फौज अंदर घुसी, खाने काबा को पत्थर बरसाए, खाने काबा के दीवारों को तहस नहस किया। परवरदिगार कहां तेरा अजाब? काबा तो काबा है, कुरान की आज तोहिन हो कुरान है, कल तोहिन हो कुरान है खुदा न खास्ता, पहले तोहिन हो कुरान है, किताब इलाही है, वो खाने खुदा है, काबतुल्ला है, तो क्यों नहीं जब भी काबे की तोहिन की गई खुदा ने उसी तरह से अजाब नाजिल नहीं किया? इसलिए कि अगर किसी मासूम की सदा तो हो, मासूम की सदा ये हजरत अब्दुल मुतलिब है, आबा ये है मकतब अहले बैत, न सिर्फ सरवर कायनात पाक व पाकीज़ा हैं, सरवर कायनात के आबा व अजदाद भी पाक व पाकीज़ा हैं। किसी काफिर और मुशरिक कैसे मुमकिन है आप अगर किसी नजिस ज़र्फ में, किसी नजिस बर्तन में पाक चीज को रखेंगे तो वह पाक चीज नूर जात लम यज़ल, और खुदा रखेगा अंधेरे में, रखेगा शिर्क में, पता नहीं। इसीलिए सरवर कायनात पर मेरा नूर रिसालत, मेरा नूर रिसालत एक रहीम पाक से दूसरे सुलब मुतहर की तरफ मुंतकिल हुआ, और कभी मेरा नूर रिसालत किसी शिर को कुफर के रहीम में नहीं रहा। तो दुश्मनी जितनी भी कर लो मगर नसब को कहां ले जाओगे जो नूर रसूल का वही अली का, जो नूर उनका मुंतकिल वही अली का, अब्दुल मुतलिब अली के सगे दादा, रसूल के सगे दादा, अब्दुल मुतलिब से आगे हसब नसब वही है, हाशिम अब्द मनाब सब वही, सब जो अली दुश्मनी में पैगंबर को नीचे लाया जा रहा, अली दुश्मनी में खातमुल अंबिया। कुरान कह रहा कि जब हर नबी को उसकी उम्मत के साथ गवाह बना के बुलाएंगे, मेरे नबी तुझे उन सब का गवाह बना के लाएंगे। अगर नबी आलम नूर में नहीं थे तो क्या आलम बशरियत में थे? बशर तो आदम है, अब हम आदम को क्या कहते हैं? अबुल, बोले अबुल बशर का बाप। जब बशर का बाप आदम है और खातमुल अंबिया अगर बशर हैं तो बाप अभी पैदा नहीं हुआ, वो ये कैसे पैदा हुए? तो कैसे खातमुल अंबिया ने फरमाया कुंतु नबियन वल आदम बैनल मा वत्तीन, मैं उस वक्त नबी था जब आदम अभी आबो गिल में थे, तो मेरे अजीज आदम आबो गिल में थे उस वक्त मेरे नबी नबी थे, तो नबी अगर नबी थे किस पर नबी थे? नबी नबा से है, कौन थी वहां, कौन सी मखलूक थी? याद रखिए जिस्म में अरवाह के आने से पहले, अरवाह की तखलीक हजारों साल पहले हुई है जिस्म से पहले, तो जब आलम अरवाह में सूरह आराफ की यह आयत अलस्तु बिरब्बिकुम, क्या मैं तुम्हारा परवरदिगार नहीं हूं, आलम जर में जब खुदा ने अपनी तौहीद का इकरार लिया था तो तौहीद शिनासी के बगैर, तौहीद की तबलीग कराए बगैर, तौहीद को पहचानवाए बगैर अपनी जात का इकरार आलम जर में मुझसे कैसे लिया? किसी को भेजा है रूह को समझाने के लिए, उसके बाद मुझसे पूछा कि अब बताओ मैं तुम्हारा रब हूं या नहीं? सूरह आराब अलस्तु बिरब्बिकुम कालू बला, हां तू मेरा परवरदिगार है, बगैर किसी के समझाए मेरी रूह ने कहा कैसे? जहां जिब्रील से पूछा जाए मन अंत व मनन, तू कौन है मैं कौन हूं, जिब्रील जहां ये कह दे अंत अंत व अनाना तू तू है मैं हूं। ये रिवायत कससुल अनबिया में खतीब बगदाद की भी, ये रिवायत कससुल अनबिया में सैयद नियामतुल्लाह जजायरी की भी, कि जिब्रील से जब पूछा मनंत व मनन तू कौन है मैं कौन हूं, इसके अलावा कुछ जानते नहीं थे वो, तू तू है मैं हूं।
जहां जिब्रील तू तू मैं कह दे, तो मेरी रूह बगैर किसी समझाने वाले के मेरी रूह, तो क्या हम सब की रूहें वहां नबी थी? अगर नबी नहीं थी तो कोई नबी था जो आलम अरवाह में हमारी हिदायत कर रहा था? तो इसके माने मेरी रूह से पहले भी कोई था। अर रहमान अल्लम अल कुरान, रहमान है वो जात जिसने कुरान की तालीम दी। खलक अल इंसान, फिर इंसान को खल्क किया। तखलीक इंसान से पहले कोई है जिसे कुरान की तालीम दी गई? बशक्ल बशरी से पहले कोई है जिसे कुरान दिया गया? अब जाहिर है जिसकी किताब कुरान है उसी को दिया गया। कुरान आदम की तो किताब नहीं है, नूह की तो किताब नहीं है, इब्राहिम की तो नहीं है, मौसा की तो नहीं है, ईसा की तो नहीं है। जब कुरान खातमुल अंबिया की किताब है और खुदा तखलीक इंसान से पहले किसी को इल्म देने का बयान कर रहा। अर रहमान अल्लम अल कुरान, खलक अल इंसान, इंसान को बाद में खल्क किया। अल्लमहुल बयान, खल्क करने के बाद इसको सिर्फ बोलना सिखाया। वो कोई और है जिसे बोलना सिखाने की जरूरत नहीं थी। वो कोई और है जिसे कुरान की तालीम दी गई। वो कोई और है जो आलम अनवार में जब खुदा ने उस नूर को खल्क करके पूछा कौन है, तो कहा तू मेरा खालिक, तू मेरा मालिक, तू मेरा रब, तू मेरा माबूद, मैं तेरा अब्द। कहा सारी फजीलतें तू ले ले, और अगर इस पर भी तू तैयार नहीं है तो वाला सौफयोती करब का फतरदा सुरे जोहा, मेरे हबीब तूने आलम तखलीक से लेकर कयामत तक जो मेरी तरवीज की है, खुदाई को बचाया है, खुदाई को तूने बचाया है, तेरी आल ने एक एक खून का कतरा देकर जो मुझे बचाया है। ए मेरे हबीब, हल जजा एहसान इल्ला एहसान, जा एहसान का बदला कोई एहसान के सिवा कोई हो सकता है? तो तूने जब मुझे बचाया है तो मेरी खुदाई को बचाया है। मेरे हबीब अब मैं तुझे वला सौफ युती का रब का फतरदा, अब खुदा सारी खुदाई तुझे देगा, तू राजी हो, तू राजी हो, तू राजी हो। कुरान करीम में दो आयतें ऐसी हैं कि खुदा सरवर कायनात की रिजा को तलब कर रहा। कभी परवरदिगार आलम ने 1,01,24,000 अंबिया में से किसी नबी की रिजा को तलब नहीं किया। 950 साल नूह ने पत्थर खाए खुदा की रिजा के लिए, मौसा दरबदर हुए खुदा की रिजा के लिए, हारून ने पत्थर खाए बनी इसराइल का तो खुदा की रिजा के लिए, यूसुफ जेल गए, याकूब परेशान हुए रोते रहे यूसुफ के फिराक में खुदा की रिजा के लिए, इब्राहिम ने बेटे को लिटाया, इब्राहिम खलील ने सफर किया आग में कूदे खुदा की रिजा के लिए, नूह यानी मुसलसल 950 साल पत्थर खाए खुदा की रिजा के लिए, सारे अंबिया जकरिया जिबा हो गए या यहया आरे से चीरे गए, जकरिया जिबा हो गए और ये जिबा हुए खुदा की रिजा के लिए, उसके बावजूद खुदा आलम ने नहीं फरमाया कि मेरी राह में जिबा होने वाले अब तू भी मुझसे राजी हो। अजब है खातमुल अंबिया की अजमत जलालत, अजब है महबूब की मोहब्बत, अजब है माशोक का ऐश। इस माशोक के साथ इरशाद होता है वला नुवल्लियन्नक क़िबलतन तरज़ाह, मेरे हबीब हम कत नरा तकल्लुब वजहक फिस्समा, हम आसमानों पर आपके चेहरे मुकद्दस का इनकलाब देख रहे हैं। वला नुवल्लियन्नक क़िबलतन तरज़ाह, मेरे हबीब आप क्यों परेशान? यानी परेशानी खातमुल अंबिया की वहां गवारा नहीं है। इरशाद होता है क़िबलतन तरज़ाहा, अच्छा हम उसी जगह को क़िबला करार देते हैं कि जिससे तू राजी हो। तो पैगंबर खुदा की ये ख्वाहिश क्यों थी? तमाम अंबिया की कोई ख्वाहिश नहीं थी कि क़िबला तब्दील किया जाए, ये सिर्फ सरवर कायनात की ख्वाहिश क्यों थी? सरवर कायनात क्यों चाहते थे क़िबले को बदलें? सरवर कायनात क्यों चाहते थे? क्या फर्क पड़ता है मक्के की तरफ रुक करके पढ़े नमाज, बैतुल मक़द्दस की तरफ रुक करके पढ़े नमाज, शुमा की तरफ रुक करके पढ़े ऐनमा तुवल्लु वुजूहकुम फ़थम्मा वजहुल्लाह, जिधर रुक करो उधर खुदा है, तो जिधर रुक करो उधर खुदा है, खुदा की नमाज ही तो पढ़नी है। फर्क क्या पड़ता है? फर्क क्या पड़ता है? मैं फिर से तकरार करूं, फर्क क्या पड़ता है? क्यों खातमुल अंबिया की इतनी शदीद ख्वाहिश थी कि क़िबला खाने काबा करार पाए? तो खातमुल अंबिया चाहते थे कि जो अली की फजीलत का इनकार करे, जचा खाने पर सजदे करके इनकार करे।
एक और बाबा जी बलन सलावात भेजे नमाज ही तो पढ़नी है, खाने काबा की तरफ रुक करके पढ़े, बेतुल मकदस की तरफ, खुदा की नमाज तो खुदा के लिए पढ़ रहे हैं, खुदा की रजा के लिए, क्या फर्क पड़ता है। नहीं जानते थे सरवर कायनात, जैसे दुश्मनों का मंसूबा था उसके मुकाबले में खातमुल अंबिया और खुदा का मंसूबा था। खुदा जानता था, सरवर कायनात जानते थे कि इधर आंख बंद हुई उधर क्या होगा। एक तो सिरात मुस्तकीम कहकर नमाज ला सलात इल्ला बिसूरत अलहम्द, नमाज होगी नहीं सिवाय सूरह हम के, सारी कुरान की सूरत कुरान है, आखिर क्यों सूरह हम को फर्ज करार दिया, क्यों सूरह हम के बगैर कोई नमाज हो ही नहीं सकती, क्यों। अहदिना सिरात अलमुस्तकीम सिरात अल्लदीना अनअमता अलैहिम गैर अलमग़ज़ूब अलैहिम वलाद्दाल्लीन। उसको खा आप दाल पढ़ रहे द्वालीन, आपके दाल पढ़ने से माने नहीं बदल जाएंगे। इसके पीछे चूंकि मौलाना अशरफ अली थानवी देवबंदी हैं, मैं अर्ज कर चुका हूं आपकी खिदमत में, हम नजफ जाने से पहले उन्हीं की किताब पढ़ते थे हैदराबाद में, उस किताब का नाम आप लिख भी सकते हैं करात के सिलसिले में, जमालुल कुरान, जमालुल कुरान उनकी किताब का नाम है, अशरफ अली थानवी देवबंदी हैं, करात पर बेहतरीन किताब है, इल्म करात पर तजवीद पर बेहतरीन किताब है जमाल कुरान। अलबत्ता वो कदीम जमाल कुरान, अब चूंकि इस पर मिंबरों पर ज़्यादा गुफ्तगू की वजह से वो बदल गई है, तो माशाल्लाह से वो हर साल तब्दील होती रहती है, होते होते एक दिन कुछ भी नहीं रहेगा, तो बहरहाल उनकी मर्जी है, मगर कदीम जमाल कुरान जो हम पढ़ते थे वो मौजूद है मार्केट में, आप उनसे कहें कदीम जमाल कुरान चाहे तो वो निकाल के दे देंगे, कोई मुश्किल नहीं, कुछ पैसे ज़्यादा लेंगे। जैसे सामर्रा में जाहिर है अहले बैत के हम अकीदा नहीं है जो खुद्दाम है, मगर आप जो चाह उनसे कहलवाएं, बस दस दिरहम उनको दे दें, तो यहाँ मसला पैसे का मसला कुछ नहीं है। तो अब मैं आपकी खिदमत में अर्ज करूँ कि जी हाँ, इसी तरह से जमालुल कुरान उसमें साफ तौर से लिखा, साफ तौर से लिखा, जो इल्म क़राअत से वाकिफ नहीं है, और एक लफ्ज़ जो अब जो जमालुल कुरान आई उसमें नहीं है, उसमें वो लफ्ज़ ये था वो गधे हैं जो ज़ात को दुआत पढ़ते हैं, वल्लाही ये लफ्ज था वो गधे हैं। तो इसका मतलब खुद अशरफ अली थानवी की नजर में मेहराब में खड़े होने वाले गधे। अब मैं अगर मिंबर से यही लफ्ज दोहरा दूं तो मैं वाजिबुल कत्ल, मैंने तोहीन की। अजीब बात है, बुखारी लिख ले तोहीन नहीं, मुस्लिम लिख ले तोहीन नहीं, इब्न हजर लिख ले तोहीन नहीं, मुस्नद अहमद इब्न हंबल लिख ले तोहीन नहीं, तबरी लिख ले तोहीन नहीं, जितन जो कुछ उन्होंने लिखा वो तोहीन नहीं, मगर जिन एक एक लफ्ज किताब लेके अगर मैं मिंबर से पढ़ दूं तो भी मैंने तो क्या किताब पढ़ने के लिए लिखी जाती है या रखने के लिए? तो फिर आप नहीं पढ़िए, फिर आप बुखारी के हवाले से बात ही नहीं कीजिए कि सुलेमान इब्न दाऊद की 300 बीवियां थी, हर रात हर बीवी के पास जाते थे। अब अगर आप पढ़ लेते हैं ये तो हिसाब लगाइए, कम से कम 20 मिनट एक बीवी के पास, तो कितनी लंबी रातें थी उस वक्त। खुदा ने रात दिन यही रखे हैं शुरू से अब तक, ये 24 घंटे का दिन रात है। हां कभी रात लंबी होती है और कभी दिन लंबा होता, मगर जितनी भी रात लंबी हो, जहां सुलेमान इब्न दाऊद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुकूमत थी वहां यमन से लेकर इराक के कुछ हिस्से से लेकर ईरान के कुछ हिस्से तक इस एरिया में उनकी हुकूमत तो सल्तनत थी। अगर आप उनकी हुकूमत में देखें तो 16 घंटे से ऊपर कोई रात नहीं थी। अगर आप 300 को 20 से जरब दें तो 2000 से ज्यादा मिनट बनेंगे, नहीं 2000 नहीं 6000 मिनट बनेंगे। 6000 मिनट को घंटों में तकसीम कीजिए, जल्दी जल्दी 12 पर तकसीम कीजिए, 16 पर तकसीम कीजिए, तो वो घंटे 20 घंटे से कम नहीं बनेंगे। तो 20 घंटे की रात तो कहीं भी नहीं थी, लंदन में तो थे नहीं, जो आप कहते नहीं वो लंदन में थे, वहां होती है 20 घंटे की रात, मगर वहां तो थे नहीं वो।
किस तरह से इसको हल करेंगे। तो तेजानी ये रिवायत लेके गया, जैतूनी यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर जो शेखुल जामिया थे, जिसने 9 जिल्दों की शरह जो लिखी है 29 जिल्दों पर मुश्तमिल बुखारी की, उनके पास लेके गए कि इसराइल, ये बताई कि हजरत मूसा ने इसराइल की आंख निकाल दी, इसका मेरी समझ में नहीं आ रहा। जो इसराइल जो आए कब्जरू के लिए, तो हजरत मूसा ने कहा क्यों आए, कहा कब्जरू के लिए नबीउल्लाह, तू मेरी रूह कब्ज करने के लिए आया तू। गोया हजरत मूसा ऐसे माहौल में पले थे जो अदबियात से आशना ही नहीं थे, तू कब्जरू के लिए आया, गुस्सा मा वल्लाही गुस्सा मारा, आंख निकल गई, आंख पकड़ के चले गए, किसके पास भेजा तूने, कहा क्या हुआ, देख नहीं रहा तू, आंख निकाल दी, बच्चा बेचारा समझ रहा, हजरत मूसा नहीं समझे, आंख निकल। वल्लाही जब इन रिवायात को, इन रिवायात इस्लाम की सही और शरीफ तरीन किताब के हवाले से जब यूरोप की यूनिवर्सिटियों में यह किताब जाती है, तो आप सोच सकते हैं, आप सोच सकते हैं कि इस्लाम का क्या होलिया है उनकी नजर में, मुसलमान यानी गधे, मुसलमान यानी बेवकूफ, मुसलमान यानी खुद अनबिया और अपने पैगंबर को नहीं जानने वाले। तो खातमुल अनबिया के सिलसिले में जो रिवायतें नकल की, मैं नहीं जाता, मगर चूंकि मैंने तय किया था, अब कुरान करीम, आप ये बताइए कुरान कह रहा सरवर का साफ आयत, कोई तावील, कोई तशरी, कोई तफसील, साफ आयत कि सारे अनबिया अपनी उम्मत के गवाह बन कर मेरे हबीब तू सारे अनबिया का, ये कुरान जो मेरा नबी सारे अनबिया का गवाह हो, मेरा नबी, एक सवाल बाकी रहता इस पर मैं शायद निसुब शब की गुफ्तगू में, क्या फरिश्ते ये लिखते हैं मेरे आपके अमाल, तो क्या ये लिखने से ये हैं मेरे गवाह, ये हैं आपके गवाह, हम सबके गवाह, 10 गवाह हैं, खुदा ने हुज्जत तमाम करने के लिए एक लम्हा नहीं दिया मुझे कि मैं जरा सी गलती कर लूं, 10 गवाह, खुदा गवाह, पैगंबर गवाह, इमाम गवाह, ये दोनों फरिश्ते गवाह, जमीर गवाह, आजा गवाह, जमीन गवाह, हवा गवाह, गवाहों से पुर है मेरे खिलाफ, मैं अगर हक पर हूं तो मेरे हक में, मैं अगर गलत पर हूं तो मेरे खिलाफ, गवाह कोई हरकत नहीं कर सकता। वो खुदा जिसने अनबिया इमाम खातमुल अनबिया से पहले गवाह बनाए, गोया अब मैं आजाद हूं, न मेरा कोई नबी है जो मेरे खिलाफ गवाही देगा, न मेरा कोई इमाम है जो मेरे खिलाफ गवाही देगा। तो अगर खिलाफ नहीं देगा तो खुदा तो इमाम के साथ बुलाएगा, जब खुदा इमाम के साथ बुलाएगा, खुदा जब इमाम के साथ बुलाएगा, जिसका इमाम नहीं है वो कहां जाएगा। एक बात, खैर बस यहां पर मेरी गुफ्तगू खत्म हो रही है, आप हम किसके साथ जाएंगे, बोले इमाम के साथ, इमाम के साथ, आप सिन्नत तान के कह दें इमाम के साथ। बस एक बात मैं अर्ज करूं, एक बात अर्ज करूं, अली किन के इमाम है, खुदा के वास्ते बोले, मैं नहीं बोलूंगा आप बोले, आप आजान में क्या कहते हैं, अशहदु अन्न अमीर अल मोमिनीन व इमाम अल, आगे मैं कुछ भी नहीं कहता। जिस दिन अली के साथ जो जाएंगे वो कौन जाएंगे, इसलिए कि अली इमाम अल मुत्तकीन है, खुदा ना खास्ता अगर मैं फासिक हूं तो अली इमाम नऊज़ु बिल्लाह नहीं, मुत्तकीन, अली के साथ मुत्तकीन, सरी आपने कहा, मुझे कहने की जरूरत, अशहदु अन्न अमीर अल मोमिनीन वाकयन मक्तबा अहले बैत, मक्तबा अहले बैत खुद अहले बैत के मानने वालों को झंझोर रहा। देखो दिन रात जो 5 वक्त की आजान व अकामत में जो तुम कहते हो, होशियार हो जाओ, जो नहीं कह रहा वो तो कहेगा मुझे नहीं पता था, उसके साथ जो होगा, आगे कुरान की आयत चल रही है, उसको तो कुरान ने कह दिया अंधा है, नाबीना है, अंधा कह दिया, वमन कान फी हाज़ी आमा फफिल आखिरति आमा, वो वहां भी अंधा होगा, मगर जिसकी बीनाई थी, कहता था और करता, लिमा तकूलू नमाला तफअलून, सूरह साफात, सूरह सफ, माफ कीजिएगा सूरह सफ, लिमा तकूलू नमाला तफअलून, वो कहते क्यों वो बात जो करते नहीं हो, कबूरा मक्तन इंदल्लाही अन तकूलू मा ला तफअलून, बहुत बड़ी बुराई है इंसानों कि तुम जबान से वो कह दो जो अमल से नहीं करते। कुरान कबूरा मक्तन इंदल्लाही अन तकूलू मा ला तफअलून, बस मेरी गुफ्तगू खत्म, हल जजा अल एहसान इल्ला अल एहसान, आप कसरत व किल्लत पर अगर जाएंगे,
मैं तफसीर भी लेकर आया था, मैं सोच रहा था ये जो तफसीर में व्योमनत उकुलनासन बिबाबहम या वो आयत जो अल्योम अकमलतु लकुम दीनकुम अतममतु अलैकुम निअमती व रदैतु लकुम अलइस्लाम दीना, जिसके बारे में साहिल ने सवाल किया था, या वो आयत सूरह मारके मआरिज की आयत नंबर 1, 2, 3 सअल साइलन बिअदाबिन वाखी लैसा लहु दाफे, ये इन आयत पर तशरीह के लिए अब वक्त खत्म हो गया। मैं माजरत खा हूं, शब आशूरे दिगर मजालिस में भी लोगों को शिरकत करनी है, तो अब मैं आपकी खिदमत में, हाँ इस यानी कल के बाद भी मेरी कुछ मजालिस यहां पर है, सोम तक मैं इंशाल्लाह आपकी खिदमत में हूं। इस ये मौजू मुकम्मल नहीं है, इस साइल का सवाल जो किया है गदीर खुम का खुतबा, गदीर खुम का खुतबा चूंकि आज आशूर है, आशूर के बाद कल शाम गरीबा है, शाम गरीबा सिर्फ गम है, मसाइब है, उसमें मैं कुछ पढ़ नहीं सकता सिवाय मसाइब के, मगर शाम गरीबा के बाद खुतबा गदीर हाथ में लेके पढ़ लूंगा। मैं उससे ख्वाहिश करता हूं कि 3 दिन सिर्फ खुतबा गदीर पढ़ लूंगा, इसलिए कि वो 3 से 4 घंटे का खुतबा था जो सरवर कायनात ने दिया, और मुझ जैसा एक हकीर और फकीर इंसान, एक कतरा भी जिसके पास इल्म नहीं बल्कि मौलाए कायनात के कंबर के जूते उठाने का पता नहीं मैं अहल भी हूं या नहीं, मैं उस खुतबे को किस तरह से मुकम्मल आपकी खिदमत में पेश कर सकता हूं, मगर 3 दिन में कोशिश करूंगा कि खुतबा गदीर को हाथ में लेके मैं आपकी खिदमत में, अलबत्ता अहले सुन्नत की किताबों के हवाले से, यह ना सोचें कि शिया किताब से नहीं, अहले सुन्नत की किताबों के हवाले से खुतबा गदीर में पढ़ लूंगा और पूरी कोशिश करूंगा कि कुछ थोड़ी बहुत जिम्मेदारी अदा हो मेरी तालिबे इल्मी की, जो नजफ अशरफ में 10 साल तक जो मौलाए कायनात की बारगाह में सर झुका झुका के रो रोके, जो भी वहां से लुत्फ करम हो, जाहिर है वहां कमी नहीं है, मेरे जर्फ की मुनासिबत से वहां से अता होता है, जितना मेरा जर्फ उतना मुझे दिया जाएगा, तो रहमत में कमी नहीं है, सूरज में कोई कमी नहीं है, मगर वही जौहर बनता है पत्थर जिसमें जौहर बनने की सलाहियत हो, हर पत्थर पर सूरज चमकता है, सूरज की रोशनी बराबर है, मगर वो पत्थर जिसमें जज्ब शुआ की सलाहियत ना हो वो पत्थर ही रहता है, वो अगर वो पत्थर जौहर में तब्दील नहीं होता है तो सूरज की रोशनी की कमी नहीं पत्थर की कमजरफी है, तो इस बिना पर इसके मेरी कम इल्मी का मैं पूरी तरह एतराफ करता हूं, मैं एक हकीर सा तालिबिल हूं, मगर कल के बाद खुतबा गदीर हाथ में लेके मैं खुतबा आपकी खिदमत में पेश करूंगा। वो बरादर अजीज जिसने ये खत लिखा उससे ख्वाहिश करता हूं, सारी पब्लिक आए ना आए, चूंकि उसने सवाल किया है उसकी शरीय और अखलाकी जिम्मेदारी है, जब सवाल किया है तो वो तशरीफ लाए, वो जवाब सुन ले, अगर मुतमईन ना हो तो मैं यहां हूं, यहां मैं यहीं पर हुसैनिया में, वो आए मुझसे सवाल करे, मुझसे फोन पर किसी तरह से भी गुफ्तगू करे, बस एक बावाज बुलंद सलावात भेजे। जाहिर है शब आशूर है, 10वीं शब है, मैंने शुरू में आपकी खिदमत में अर्ज किया था आज और कल 2 दिन ये मजमा है, ख्वातीन हैं, बच्चे हैं, वाकई बड़ी जहमत की इस मोहब्बत और खुलूस के साथ आप आए, किसकी बारगाह में, उनकी बारगाह में जिन्हें तसल्ली देने वाला कोई न था, उस शहजादी की खिदमत में जो आज की रात तड़प के कभी मदीने का रुख करती हैं कभी नजफ का, आज तो फिर भी तसल्ली है जब बाबुल हवाज खिमे के दरवाजे पर आते हैं, जब शहजादियां अब्बास की आवाज सुनती हैं तो समझती हैं कि अब्बास अब्बास कायनात मौजूद है आज, और फिर यह कि जब शहजादा अली अकबर, मैं शहजादे के सिलसिले में उमर आस का यह शेर आपने यकीनन सुना होगा, उमर साद का नहीं, उमर आस का, उमर आस जो माविया का वजीर था, उमर साद जो उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद का वजीर था, उमर आस जब कालीन आया माविया के दरबार में, जिन्होंने कालीन को देखा नहीं था अरबों में, तो एक ईरानी कालीन लेकर आया तोहफे के तौर पर, कालीन को देख के उमर आस था, यजीद था, माविया था, कालीन को देख के कहा कि जो बेहतरीन शेर अली की शान में कह दे वो ले जाए, अली की शान में।
माविया ने कहा उमर आस से, तुम कह दो तुम बड़े फसाद व बलागत के मालिक हो। उमर आस ने कहा नहीं, आप अमीर हैं, आप कहें। तो माविया ने कहा, जो अरबी शेर का तर्जुमा यह है, माविया ने कहा अली वसी खातमुल अनबिया हैं। पहला मिसरा देखिए, जानते भी और मानते भी हैं, मानते भी हैं, मगर जानना मानना एक तीसरी मंजिल है। जानने, जहां तक मानने का ताल्लुक है, वो तो जमीर से मुताल्लिक है। जब आप किसी शख्सियत की हकीकत आपके जमीर में उतर जाए तो जमीर उसके सामने झुक जाता है, मगर नफ्स अम्मारा सामने आकर कहता देखो नहीं नहीं झुकना, जमीर झुक जाता। जमीर एक हकीकत इंसानी का नाम, वो झुक जाता। वो कमाल के सामने जमीर का झुकना एक फितरी सी बात है। जितनी भी आप दुश्मनी करें किसी डॉक्टर से, मैं एक सती मिसाल देता हूं, किसी कोई डॉक्टर है आप नहीं चाहते, आप उसका नाम भी नहीं सुनना चाहते, मगर आपने देखा कि एक बीमारी ऐसी है जिसका इलाज सिवाय उसके शहर में किसी के पास नहीं है, तो खुद ब खुद आपका जमीर और पूरी इंसानियत का जमीर उसके सामने झुक जाएगा। खा उसके अखलाकियात से आपको एतराज ही क्यों ना हो, उससे उसके सामने झुक जाएगा। कमाल वो है जो खींचता है इंसान को। तो माविया ने शेर कहा कि अली वसी और जानिशीन पैगंबर, अली आसमान है और हम जमीन है, अली सूरज है और हम जर्रात हैं। ये माविया का शेर है मौलाई कायनात की शान में। तो आगे बढ़कर कहा अब तुम कह दो। उमर आस ने कहा नहीं, शहजादा है और कायनात का बदतरीन इंसान कौन? यजीद। यजीद ने मौलाई कायनात की शान में उमर आस ने कहा तुम शहजादे हो, तुम कह दो। तो यजीद का ये शेर जो अरबी अदबियात में आता, क्या निस्बत है जुल्मत को रोशनी से, अली रोशनी का नाम है, कायनात अली की रोशनी से मुनव्वर है। ये उसने कहा। अगला मिसरा यह है कि अली पिघलाया हुआ सोना है और हम रेत जिस पर कदम रख के चलते हैं उस रेत के जर्रात हैं। ये यजीद का कहा हुआ मिसरा है मौलाई कायनात की शान। अब उमर आस से कहा तुम कह दो। तो उमर आस ने जो मिसरा कहा, अब ज़र्बुल मसल है अरबी अदबियात का, शहीद अल अदू बिफ़ज़लिही वल फ़ज़्ल मा शहिदत बिही अल अदाव। दुश्मनों ने मिलकर फजीलत की गवाही दी और फजीलत है वही जिसके सामने दुश्मन का सर झुक जाए। ये उमर आस ने कहा। तो कहा तेरा हक है कालीन, तू लेके चला जा। देख रहे कमाल वो है जो दुश्मन को झुका दे, कमाल वो जमाल वो है जिसके सामने पत्थर झुक जाए। दाऊद अलैहिस्सलाम जब तिलावत करते थे जबूर की, पानी चलता हुआ पानी रुकता था। यूसुफ वो हैं जो कमाल मुतलक की तरफ से हुसन लेकर आए थे। जब हुसन यूसुफ को देखा तो सूरह यूसुफ फकत्तअना अयदियहुन्ना, ख्वातीन हुसन यूसुफ को देखकर अपना हाथ काट गईं, उन्हें एहसास नहीं हुआ कि वो हाथ काट रही हैं। ये कमाल हुसन यूसुफ है। तो जहां हुसन यूसुफ भी हो, लहन दाऊदी भी हो, शुजात मूसा भी हो और जोहद तकवा ईसा भी हो और सारे अनबिया का वारिस बैठा हो, वहां जाहिर माविया क्या, हजारों माविया वहां झुक जाएंगे, मगर नफ्सा मारा माविया से कहता तुझे इख्तदार चाहिए, हुकूमत चाहिए, अली से मुकाबला किए बगैर तुझे हुकूमत नहीं मिल सकती। ये नफ्स जो उससे कहलवा रहा, यह नफ्स जो अली के मुकाबले पर लेकर आए, ये उसकी ख्वाहिशात नफसानी है जो अली के मुकाबले पर लेकर आए। अब इसी तरह से गुफ्तगु हुई। माविया ने अपने दरबारियों से पूछा ये बताओ जिस हुकूमत पर मैं बैठा हूं, सच बताना इस हुकूमत का इस वक्त सबसे मुस्तहक कौन है? तो उमर आस ने कहा तुम हो। कहा नहीं, तुमने इंसाफ से काम नहीं लिया, ये तुमने गलत कहा, हम तो यही समझते हैं। नहीं तुम बताओ, तुम बताओ। जितने अतराफी बैठे थे सब ने कहा अमीर हमें नहीं पता। कहा नहीं, इस वक्त चूंकि ये पैगंबर की हुकूमत है और इस वक्त कायनात में सूरत में सीरत में गुफ्तार में जो सबसे ज्यादा पैगंबर से मुशाबह है वो हुसैन का जवान लाल अली अकबर है। बखुदा ये माविया की गुफ्तगू है, माविया की गुफ्तगू हजरत अली अकबर के बारे में। जिस शक्ल शमाइल और जिस जमाल मुतलक के सामने दुश्मन झुक जाए, आप बताइए कि उसके सूरत के सामने मां की हालत क्या होगी, मां किस तरह से देख रही होंगी,
ماں کس طرح سے اس جمال کو لکھا ہے. جب حضرت علی اکبر شبیہ رسول جب نکلتے تھے مدینے کی گلیوں میں, واللہ یہ تاریخ سنی شیعہ سب نے لکھا, جب نکلتے تھے تو جیسے ہی ادھر بیت الشرف سے نکلے شہزادے, ادھر پیغمبر کا صاحب کھڑے ہو جاتے تھے کہ خاتم الانبیاء گزر رہے ہیں, خاتم الانبیاء گزر رہے ہیں. آج اسی کی شب ہے, اسی کی شب ہے. باب الحوائج کو باب الحوائج کا خطاب دیا, حضرت قاسم کو, حضرت اون محمد کو, سب کو الگ الگ خطابات دیا, یہاں تک کہ اصحاب سید الشہداء میں سے ہر شہید کو. مگر جب اب نصف شب کو ایک مرتبہ حضرت باب الحوائج تربیت دے رہے تھے, یعنی تلوار چلانے کے سلسلے میں باب الحوائج تلوار چلانا بتا رہے تھے, تلوار چلا رہے تھے خیمے میں, اور تلوار چلاتے چلاتے باب الحوائج کا یہ واقعہ دو شخصیات کے بارے میں آیا, ایک اون محمد اور ایک حضرت علی اکبر. تلوار چلاتے چلاتے جب تلوار آقا علی اکبر کے سینے کے قریب کیا تو اس وقت حضرت ام لیلہ تڑپ گئی, میرے لال ابھی سیکھ لو چاچا سے کہ کل کہیں تیری ماں تڑپ نہ جائے. تو صرف تلوار چلانے کا یعنی پریکٹس کر رہے تھے, اس وقت ماں تڑپی. اور روایت بتاتی ہے کہ حضرت ام لیلہ نے ایک آواز دی, علی اکبر میرے لال, یہ کہہ کر زمین پر گری. اور میں یہاں پر, شاید محسوس نہ ہو, شاید مجھے اور آپ کو محسوس نہ ہو, یہاں میں کیوں نہ قرآن سے لے کے چلا ہوں تو مصائب کا خاتمہ بھی قرآن ہی پر کیوں نہ ہو. آئیے قرآن کی طرف چلتے ہیں, سورہ واقعہ صافات, سورہ صافات, حضرت خلیل خدا کا خواب حضرت اسماعیل سے, یا بنیا انی ارا فی المنام انی اذبحک, میرے نور نظر اسماعیل میں خواب میں مسلسل آپ کو دیکھ رہا ہوں کہ میں آپ کو ذبح کر رہا ہوں, فانظر ماذا ترا, میرے لال بتاؤ تمہاری کیا رائے ہے. حضرت ابراہیم پہلے بتا چکا, چاہتے تو خود کہتے لیٹ جاؤ میں ذبح کروں گا, نہیں, اس کمال میں خود اسماعیل کی مرضی کو شامل کرنا چاہتے ہیں, خود ان کی مرضی اور رضا سے ان کو ذبح کرنا چاہتے ہیں, باپ کی حیثیت سے اپنے حکم کی بنیاد پر نہیں, خود ان کی مرضی سے ان کو ذبح کرنا چاہتے ہیں. فانظر ما ذاترا سورہ صافات, تو حضرت اسماعیل نے جیسے ہی خلیل خدا کے جملے سنے, یا ابتی, ایک تو ہے یا ابا بابا, یا ابتی بابا جان, بابا جان افعل ما تؤمر, بابا جان جو حکم دیا گیا ہے کر ڈالیے. ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین, اللہ نے چاہا تو مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے. تو بس ایک جملہ یہاں اسی آیت کی تفسیر میں, سنی ہو شیعہ ہو کوئی بھی, اس تفسیر میں آپ جا کے دیکھیے گا تفسیر, اور پھر مولا کائنات کا پورا خطبہ ہے جو عید بقرہ عید کو جو خطبہ دیا جاتا ہے وہ اسی آیت کی پوری تفسیر ہے, مولا کائنات کا خطبہ ہے, اس خطبے میں ارشاد فرماتے ہیں, اور پھر اسی آیت کی تفسیر میں کہ یا ابتی افعل ما تؤمر, بابا جو حکم دیا گیا آپ کر ڈالیے. یہ کہہ تو دیا مگر حضرت اسماعیل نے فرمایا بابا آپ اپنے کپڑے سمیٹیے گا, بابا جان مجھے ذبح کرتے وقت ممکن ہے تکلیف کی وجہ سے میں ہل جاؤں, بابا اگر میں ہلا تو میرے خون کے قطرے آپ کے کپڑوں پر گریں گے. تو کیا ہوا, جو ابراہیم اتنی ہمت رکھتا ہے کہ اپنے لال کو اپنے ہاتھ سے ذبح کرے تو کیا خون کے قطرے برداشت نہیں کر سکتا, کر سکتا ہے. مگر کیا فرمایا حضرت اسماعیل نے, بابا میرے خون کے قطرے میری شفیق و مہربان ماں نہیں دیکھ سکیں گی, میری ماں نہیں دیکھ سکیں گی, اگر میری ماں نے میرے خون کے قطرے دیکھے تو صبر نہیں کر پائیں گی. بابا میں نہیں چاہتا ہوں بابا کہ میری ماں میرے خون کے قطرے دیکھ لے. یہ قرآن سورہ صافات کی آیت اور اس کی تفسیر. جب اسماعیل, حضرت اسماعیل کا یہ واقعہ ہو چکا, اور جب قرآن نے کہہ دیا وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ, ہم نے اس کو قربانی کو عظیم قربانی سے بدلا اور وہ عظیم قربانی آخر میں آنے والوں پر چھوڑ دیا. جب یہ آیت نازل ہوئی, اور اس آیت کی تفسیر بھی اللہ نے, علامہ اقبال نے اسی آیت کی تفسیر میں کہا, اللہ اللہ بھائی بسم اللہ پدر مانے ذبح عظیم آمد پسر. یہ اب آخر میں آنے والے پر آپ نے دیکھا جب حضرت ابراہیم خلیل حضرت اسماعیل کو لے کے خوش و خرم, قربانی بھی قبول ہوئی, اسماعیل بھی بچ گئے, دمبا آیا ذبح کیا. اب جب لے کے آیا حضرت اسماعیل کو تو یہ جو آپ سائی کرتے ہیں اس کی وجہ کیا ہے, تو حضرت حاجرہ کی سنت ہے, جب آئے حضرت ابراہیم خلیل تو اس وقت شیطان آ کر حضرت حاجرہ سے کہہ چکا تھا کہ اے حاجرہ تجھے پتا ہے کہ ابراہیم اسماعیل کو کہاں لے کے گئے. تو حضرت حاجرہ ایک نبی کی بیوی, اور صرف بیوی ہونا کمال نہیں ہے مگر ایک نبی کی ماں ہونا کمال ہے, اس لیے کہ ایک خاتون
जरूरी नहीं है कि बीवी पाक और पाकीजा हो, इसलिए कि नूह की बीवी, इसलिए कि लूत की बीवी, दोनों के बारे में सूरह तहरीम ने कहा ये दोनों खाइन थी, तो इसके माने ये कि खाइन हो सकती है बीवी, नबी की बीवी खाइन हो सकती है मगर नबी की माँ खाइन नहीं हो सकती। तो ये इस्माइल की माँ थी, ये इस्माइल नबी और अरब में आने वाले अनबिया की माँ थी, जिस तरह से सारा अनबिया बनी इसराइल की माँ थी, अनबिया अरब की माँ हजरत हाजरा थी। हजरत हाजरा एक उलुल आजम नबी की बीवी और आने वाले अनबिया और खातमुल अनबिया जिनमें अफजलुल अनबिया माँ है हजरत हाजरा। जब शैतान ने आके कहा हाजरा पता है खलील खुदा इस्माइल को कहाँ लेके गए, तो हजरत हाजरा ने कहा हाँ मुझे पता है, शिकार पर गए हैं, छुरी लेके गए हैं, रस्सी लेके गए हैं, यही तो मैं तुझे बताने आया हूँ, ये छुरी और रस्सी जो लेके गए हैं इस्माइल को ज़िबह करने के लिए लेके गए हैं। तो हजरत हाजरा ने कहा कैसे, तू शैतान है, इसलिए कि कौन ऐसा बाप है जो अपने बेटे को ज़िबह करे, और वो भी खलील खुदा, और वो भी हजारों दुआओं से जो बेटा मिला है उसको ज़िबह करे, तू शैतान है। यहां पर हजरत हाजरा ने पत्थर मारे, बागा फिर मारे, बागा और फिर मारे, तो शैतान ने मुसलसल ये कहा कि मैं कसम खाता हूं खुदा की ज़िबह करने के लिए लेके गए, क्यों ज़िबह करने के लिए लेके गए, तो इबलीस ने कहा इसलिए कि उनको खुदा का हुक्म हुआ। तो अब यहां हजरत हाजरा ने सजदा किया, सजदा करके कहा ऐ इबलीस अगर खुदा का हुक्म हुआ है तो मेरे हजारों इस्माइल निसार हो, कुर्बान हो, मुझे फिक्र नहीं है, यह कह तो दिया मगर मां है, मगर मां है, मेरे अजीज मां है, अब मुंतजिर थी घर के दरवाजे पर, अब आए मेरा लाल, अब आए, इसलिए कि सहराए मक्का में यही एक झुंपड़ी डालकर हजरत हाजरत ही कोई आबादी न थी, एक अकलौता सहारा था, अब आए दरवाजे पर मुंतजिर थी, देखा खलील खुदा इस्माइल को लेकर चले आ रहे, हालांकि सलामती के साथ आ गए, सेहत के साथ आ गए, दौड़ के गई, गले से लगाया, गले से लगा के जब गोलोए नाजनीन को देखा, छुरी का दाग है, सिर्फ छुरी का दाग है, छुरी के दाग को देखकर लबों के बोसे लेके कहा इस्माइल क्या आप, तुम्हें खलील ने ज़िबाह के लिए लेटाया था, तो अब जो सिद्दीक नबी है वो ना नहीं कह सकता, कहा है वालदे ग्रामी मुझे लेटाया था, मेरे लाल तुम लेट गए थे, मैं लेट गया था, क्या ज़िबाह के लिए छुरी रख दी थी, आज छुरी रख दी थी, बस सिर्फ ये जुमला सुना कि छुरी रख दी थी, इस जुमले को सुनकर तीन दिन रोई, तीसरे दिन इंतकाल हुआ, तीसरे दिन इंतकाल हुआ, यह था हाजरा का। और आइए याकूब 12 बेटों में से एक बेटा नजरों से गायब हुआ था, कुरान कहता है लकत अबयदत ऐनाह मिनल हुजन फहुवा कदीम, यूसुफ के गम में रोकर याकूब की बीनाई जा चुकी थी, अल्लाह अल्लाह अंबिया अलैहिस्सलाम की बीनाई चली जाए, और तो सरवर कायनात का वो जीता जागता तस्वीर उनकी मां पर क्या गुजरी होगी, हजरत उम्मे लैला पर क्या गुजरी होगी। बस मेरे अजीजों आ जाओ, शहजादी जहरा जो तसल्ली देने आई है, शहजादी जहरा जो आई है जन्नत से निकल के, अब जो अली आए हैं, अब जो पैगंबर खुदा आए हैं, अब जो हसन मुश्तबा आए हैं, इसलिए कि अगर ये हस्तियां आके तसल्ली न दे तो उम्मे लैला बच नहीं सकती, इसलिए कि जिसने 18 साल तक तमन्नाओं से पाला हो और हर आम खास की जबान पर शबीह रसूल लकब हो, और जा आका हुसैन ये कह दें कि वो घर जहां सुकैना और अली अकबर मुझे पसंद हैं वो अली अकबर। अब जब हजरत उम्मे लैला तड़पी, मगर जब सुबह का वक्त आया फजर हुई, तो सबसे पहले हजरत उम्मे लैला ने कहा मेरे लाल मैं चाहती हूं कि तू भी मैं भी कयामत के दिन शहजादी जहरा के सामने सुरखरू हो, बनो हाशिम में सबसे पहले तू चला जा हुसैन की खिदमत में। अब जब अली, अब जब मजहरे सिफात पैगंबर और जमाल पैगंबर आकर 18 साल का जवान चला खीमे से, तो जब खीमे से चला है आका हुसैन की तरफ, तो पीछे सिर्फ मां नहीं थी, फूफी अम्मा जैनब थी जो हसरत भरी निगाह से देख रही थी, रुबाब थी जो देख रही थी, उम्म कुलसुम थी जो देख रही थी, बस हजरत हजरत उम्म लैला थी जो कमर पर हाथ रख के कमर झुका के देख रही थी। अब जो मेरे आका अली अकबर आए आका हुसैन के सामने खड़े हो गए और कहा बाबा
बाबा अब मुझे इजाजत दीजिए बाबा, अब जिस वक्त आका हुसैन ने, मैंने कल ही अर्ज किया था, जब अली अकबर को देखा, बखुदा आपके आंसू के न वो मोहताज हैं न पैगंबर, ये तो आंसू मैं अपने लिए चिराग बना रहा हूं कब्र के लिए, मैं अपने लिए चिराग बना रहा हूं आखिरत के लिए, वरना क्या है, हुसैन कायनात का बादशाह, हुसैन मालिकुल मुल्क का नुमाइंदा, उसके लिए क्या कमी है। जब आका अली अकबर आके खड़े हो गए तो आका हुसैन ने फजम इला सदरी, आका अली अकबर को सीने से लगाया, फतकब्बल बैन आइनै, दोनों आंखों के बीच में बोसे लिए, बोसे लेने के बाद हजरत ने फरमाया, अली अकबर क्या तुम चले जाओगे बाबा को तन्हा छोड़कर, तो हजरत अली अकबर ने फरमाया, बाबा मुझे जाने दीजिए बाबा, सारे बनू हाशिम में मैं चाहता हूं सबसे पहले मैं दादा अली और पैगंबर खुदा की बारगाह में पहुंच जाऊं। अब जब रुखसत तो किया आका हुसैन ने, मगर वल्लाही एक लफ्ज गलत है, सारे मकातिल ने लिखा है, सवार कराया आका हुसैन ने अली अकबर को, सवार कराया। एक रिवायत ये बताती है कि खिमे के दरवाजे से शहजादी ज़ैनब भी आई थी कि मैं भी सवार कराऊं, बचपन से 18 साल तक मैंने अपनी गोद में पाला, जब सवार कराया, जब मैदान की तरफ चला तो हुसैन कमर पर हाथ रखे हुए पीछे पीछे चले, तोसन के पीछे जब हजरत चले हैं तो एक मर्तबा आका अली अकबर ने देखा बाबा पीछे आ रहे, रुक गए, पलट के कहा, बाबा क्यों आ रहे, बाबा आपसे इजाजत लेके चला था क्यों आ रहे, तो आका हुसैन ने एक जुमला कहा जो तारीख के सफात पर मौजूद है, आका हुसैन ने फरमाया, बुनई अली मेरे नूर नजर अली, एक काश तेरा भी तुझ जैसा जवान बेटा होता, मेरे लाल तेरा भी तुझ जैसा जवान बेटा होता तो तुझे पता चलता कि जवान बेटा किसका नाम है। अब कमर थामा आका अली अकबर ने कहा, बाबा मुझे इजाजत दीजिए बाबा। आका हुसैन वापस आए, मगर एक बात मैं अर्ज कर दूं, आका हुसैन वापस आए, दो दफा हजरत अली अकबर वापस आए, तीसरी दफा जब प्यास की शिद्दत की शिकायत की तो आका हुसैन ने अपनी जबान अली अकबर के जबान पर रखी, आका अली अकबर ने अपनी जबान हटा ली, फरमाया, बाबा आप तो से ज्यादा प्यासे हैं बाबा, हाँ मेरे लाल ये लो मेरी अंगूठी जबान के नीचे रख दो ताकि तुम्हें जबान खुश ना हो, मेरे लाल दादा अली मुंतजिर हैं, खौज़े कौसर का पानी लिए हुए मुंतजिर हैं, माँ जहरा मुंतजिर हैं, नाना रसूल खुदा मुंतजिर हैं। अब जब गए तो खेमे के दरवाजे पर गए, अस्सलाम अलैकिया अम्मा, अस्सलाम अलैकिया अम्मा, अस्सलामु अलैकिया अम्मता, सबको सलाम करके अब सलाम आखिर देकर अली अकबर अब जब गए हैं, अब मैदान की तरफ गए हैं तो आप अली अकबर नजर नहीं आए, सिर्फ आवाज आई, अब या अबाद रिकने, बाबा मुझे पा लीजिए। अब जब आका जुलजना पर सवार होना चाह रहे थे तो ये रिवायत है, आका हुसैन ने पूछा, ऐन जवादी, मेरी सवारी नजर नहीं आती, मेरी सवारी नजर नहीं आती, मेरा जवान मेरी पीनाई को लेके गया है, कहां है मेरे सवारी। तो शहजादी ज़ैनब आई, शहजादी उम्मे कुलसुम आई, हुसैन को सवार कराया। अब जब आका हुसैन मैदान की तरफ जा रहे थे तो आवाज दे रहे थे, बस दो बातें अर्ज करूं, इस वक्त आका हुसैन अली अकबर को बिल्कुल उसी तरह से आवाज दे रहे हैं जो शाम गरीबा